मीडिया क्वेरी पढ़ ली थी और उसके अलावा हमने जो है वो पोजीशन पढ़ ली थी। फ्लैक्स बॉक्स तो हम काफ़ी पहले पढ़ चुके थे। अच्छा, आज हमारी लास्ट क्लास है तो आज हम पढ़ते हैं SEO। सही है, सही है जी। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, और SEO के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, SEO में। तो हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। और यार फ़ैन बंद कर दो ना, फ़ैन की ज़रूरत तो नहीं है ना, शोर कर रहे हैं फ़ैन बिला वजह। अच्छा, तो मैंने गूगल पे जाके लिखा है SEO और साथ में मैंने MDN का जिक्र किया है, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया ना। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने ये पूरा बताया है कि जी वो SEO होती क्या चीज़ है और क्या होता है, तो उसको ज़रा पढ़ लेते हैं और फिर हम कोड की तरफ वापस आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जी SEO इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। SEO क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे जैसे ड्राइविंग होता है ना, ड्राइविंग इज़ अ प्रोसेस, कि जी ड्राइव हो रही है अभी, ठीक है, जब गाड़ी रुक जाएगी तो ड्राइविंग स्टॉप हो जाएगी। तो SEO जो है वो क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा आपने कर दिया, ठीक है। जैसे होता है ना कि जी आपने झाड़ू लगा दिया यहाँ पर, तो झाड़ू लगाने से वो जगह साफ़ हो जाती है, लेकिन SEO जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा झाड़ू लगा दिया और वो साफ़ हो गया और दैट्स इट, ठीक है, ऐसा नहीं है। SEO इज़ अ प्रोसेस, यानी वो झाड़ू लगने का जो प्रोसेस है ना उसको SEO कहा जा रहा है, ठीक है। ऑफ मेकिंग वेबसाइट मोर विजिबल इन सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। इसके ज़रिए क्या होता है कि सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से आ रही होती है। ऑल्सो टर्न इम्प्रूविंग सर्च रैंकिंग्स। अच्छा, अब ये होता कैसे? कह रहे हैं कि जी सर्च इंजन क्रॉल द वेब। अच्छा, क्रॉल क्या चीज़ होती है? क्रॉल ये होती है कि जितनी भी दुनिया की वेबसाइट है ना, जितनी भी आज तक बनी हुई वेबसाइट है, तो एक मशीन होती है, एक कंप्यूटर होता है, जो क्या करता है, बारी बारी उन तमाम वेबसाइट्स को विज़िट करता है, ठीक है। और बारी बारी उन तमाम वेबसाइट को विज़िट करने के बाद क्या करता है, फॉलोइंग लिंक्स फ्रॉम द पेजेस पेज टू पेज। कह रहे हैं कि वो तमाम वेबसाइट के ना जो तमाम पेज होते हैं, उन तमाम पेजेस के ऊपर जो लिंक्स होते हैं एक दूसरी वेबसाइट के, तो उनको भी विज़िट करता जाता है। तो इस तरह वो क्या करता है, पूरे इंटरनेट तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। एंड इंडेक्स द कंटेंट फाउंड। अब उसमें हर पेज के अंदर जो भी उसको टेक्स्ट मिलता है, जो भी उसको डेटा मिलता है, उसको वो इंडेक्स करता है, ठीक है। व्हेन यू सर्च द सर्च इंजन डिस्प्ले द इंडेक्स्ड कंटेंट। अच्छा, अब जब कोई बंदा आके गूगल पे लिखता है ना कोई बात, तो उस सर्च हुआ जो पहले से इंडेक्सिंग बनी हुई होती है ना, जो पहले से उसने उस कंटेंट को सेव किया हुआ होता है, तो वहाँ से वो निकाल के ला के दिखाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो उनकी वेबसाइट उठा के ले जाता है। हाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉलर जो है, मिसाल के तौर पर अभी शुरू करता है, ये क्रॉलिंग शुरू करता है अभी, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन कौन है? गूगल सर्च है, याहू सर्च है, बिंग सर्च है, ये सारे। तो इनका मिसाल के तौर पर गूगल वालों का क्रॉलर, ठीक है, क्रॉल करना शुरू करता है अभी, ठीक है। और मिसाल के तौर पे उसको पूरी दुनिया की वेबसाइट पे बारी बारी वो जाएगा, तो उसको जाने में मिसाल के तौर पे लगते हैं 6 घंटे लगते हैं, मिसाल के 6 घंटे में पूरी दुनिया की वेबसाइट छान मारता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई वेबसाइट अभी अभी लॉन्च की है तो उसको 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे, ठीक है। उससे पहले वो सर्च इंजन के ऊपर नहीं आया, मतलब गूगल सर्च पर अवेलेबल नहीं होगा। ये 6 घंटे मैंने फर्जी बात की, ये मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, तो इसने बोला कि भाई वो क्या करता है, तमाम पेजेस पे जाता है, उसके अंदर जो भी कुछ मिलता है उसका एक इंडेक्स तैयार करता है, ठीक है। इंडेक्स क्या चीज़ होती है? इंडेक्स जैसे आपका कोई भी बुक होती है ना, कोई भी बुक के शुरू में एक इंडेक्स का पेज होता है, तो उसमें क्या होता है जी, पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक है, पेज नंबर 2 पे ये टॉपिक है, इस तरह पूरा इंडेक्स होता है। तो इंडेक्सिंग जो वो कुछ इसी तरह की चीज़ होती है, जिसमें वो क्या करता है, डेटा को अच्छे से सजा लेता है। और फिर मिसाल के तौर पर अगर मैं उसको कहता हूँ कि यार मैं लिखता हूँ कार और एंटर करता हूँ, तो उस इंडेक्स में वो सीधा कार के ऊपर जाता है और कार से मुताल्लिक जो भी डिटेल है वो मुझे उठा के लाकर दिखा रहा होता है गूगल सर्च के रिजल्ट में, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू फॉलो दोज रूल्स क्लोजली। अच्छा, क्या है द सर्च इंजन डिस्प्ले इंडेक्स कॉन्टेंट? अच्छा, क्रॉलर फॉलो रूल्स। अब क्रॉलर जो है ना, उसके कुछ रूल्स हैं भाई, जाहिर है वो तो मशीन है। अब पूरी वेबसाइट के अंदर तो इतना सारा टेक्स्ट है, अब कौन सा टेक्स्ट क्या है उसको क्या पता भाई। यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, ये रेफरेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये गाइड भी लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। अब ये क्या है ये सब, उसको तो नहीं पता, वो तो एक मशीन है। तो उसके लिए ना क्रॉलर ने कुछ रूल बनाए हुए होते हैं अपने, ठीक है। अच्छा, कुछ रूल तो उनमें से वो बता देते हैं, कुछ रूल छुपा के रखते हैं, तो जो बताए हुए रूल हैं उन पे हम चल रहे होते हैं सारा, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू फॉलो दोज रूल्स क्लोजली व्हेन डूइंग SEO,
ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है SEO हमें वो रूल्स लगाने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, ठीक है। तो जो SEO का प्रोसेस है वो असल में वही होता है कि वो तमाम के तमाम रूल अपनी वेबसाइट पे हम लगा रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम SEO कहते हैं। यू गिव साइट बेस्ट चांसेस फॉर शोइंग अप अमंग द फर्स्ट रिजल्ट्स, इंक्रीजिंग द ट्रैफिक एंड पॉसिबली रेवेन्यू। कह रहे हैं कि जी आप अगर उस रूल को फॉलो करते हैं तो इसके चांस बढ़ जाते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो ज़रा ऊपर आ रहा होता है, जब सर्च मारता है कोई तो आपका रिजल्ट ऊपर आ रहा होता है और इवेंचुअली वो फर्स्ट पे भी आ सकता है अगर बहुत अच्छा आपने SEO कर दिया उसका, तो ठीक है। या बहुत, यानी जो बंदे ने बात लिखी है वो बहुत ही क्लोजली उस चीज़ से मैच कर गया, जैसे इसकी हेडिंग है SEO। अब कोई बंदा अगर SEO लिख के गूगल पर सर्च करता है तो ये वाला पेज आने के कितने चांसेस हैं, वो डिपेंड करता है कि ये इसमें कितनी अच्छी SEO हुई हुई, क्योंकि ये मैच तो कर गया एग्जैक्टली। और भी तो पेजेस होंगे ना जिसने SEO लिखा हुआ होगा, तो अब ये पेज पहले आया या कोई दूसरा पेज पहले आया, तो वो सारा डिपेंड करता है SEO के ऊपर। अच्छा क्या है जी, सर्च इंजन गिव सम गाइडेंस फॉर SEO। अब ये सर्च इंजन कौन है, यानी कि गूगल वाले, याहू वाले, बिंग वाले, ये लोग गाइडेंस देते हैं कि जी हमारा सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। बिग सर्च इंजन कीप द रिजल्ट रैंकिंग एज अ ट्रेड सीक्रेट। कह रहा है कि भाई आधी बात बता देते हैं और लेकिन बहुत सारी बातें वो नहीं भी बताते हैं, छुपा के रखते हैं, ठीक है। वरना अगर सारा रूल पता लग गया तो फिर तो क्या होगा कि जिसने वो लगाई उसका वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, अब भले उसकी वेबसाइट में कंटेंट अच्छा हो या ना हो वो टॉप पे। तो इसलिए कुछ चीज़ें वो छुपा के भी रखते हैं। SEO कंबाइंस ऑफिशियल सर्च इंजन गाइडलाइन एम्पेरिकल नॉलेज एंड थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है। कुछ वो SEO वाले बता देते हैं उस पर बेस कर रही होती है, कुछ जो है ना आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल करते हैं कि अच्छा जी ऐसे किया था मैंने तो बड़ा अच्छा हुआ था, ठीक है। और कुछ थियोरेटिकल बात है कि कुछ लोगों ने थ्योरी बनाई हुई है कि अच्छा जी वो मतलब ये है कि जी अगर यानी वो थ्योरी है, उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है कि जी वाकई वो काम करती भी नहीं करती, तो वो थ्योरेटिकल कुछ नॉलेज है ना, कुछ एम्पेरिकल नॉलेज उन पर बेस कर रहा होता है। वेल तो हमारे पास जो है ना क्या है जी, SEO के मेथड फॉर ऑल थ्री क्लासेस। अच्छा अब ये वो वाली, ये तो टॉपिक चलो बता दिया इसने कि SEO होता क्या है, अब हमें जो है ना वो क्या चाहिए, सर्च इंजन सेंट्रल पे तो लेके जा रहे हैं ना ये। अच्छा अभी जो हम सर्च इंजन का जो SEO वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ेंगे सोशल लिंक्स पहले, तो है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं इसका SEO का, हम सोशल लिंक्स वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा सोशल लिंक्स, अब यहाँ पे इन्होंने कहीं पे वो नहीं लगाया हुआ, मुझे अलग से इसके लिए एक सर्च मारना पड़ेगा, SEO मेटा टैग्स, MDN भी लिख देता हूँ साथ में। अच्छा तो SEO जो होता है ना, एक तो ये होता है कि जी SEO के अंदर जो लार्ज हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे मैं ये वाला पेज खोल के खड़ा हुआ था, तो इसके अंदर जो H1 है ना, जो उसकी ज़रा प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है ना। तो होता क्या है जी कि जब आपका जो पेज होता है ना, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, जब जो हेडिंग्स होती है ना वो आप रेलिवेंट हेडिंग्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। रेलिवेंट हेडिंग, अच्छा मिसाल के तौर पर समटाइम ये हो सकता है कि आप हेडिंग के लिए H1 का टैग ही इस्तेमाल ना करें, ठीक है, आप इसकी जगह कोई इमेज लगा दें हेडिंग की जगह, ठीक है, तो आपका SEO ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि H1 में वो चीज़ उसको मिलेगी नहीं और इमेज में लिखा हुआ क्या है उसको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपने एक तो H1 आप लगा रहे होते हैं। अच्छा इसी तरीके से आप क्या करते हैं, जो ये नेविगेशन बार है इसको आप एक टैग में पैक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेव, ठीक है, नेव का। अच्छा फिर ये पूरा जो हेडर है, ये पूरा हेडर है जो मूव नहीं कर रहा है, इस पूरे वैसे तो ये मुझे तो दिख रहा है कि मूव नहीं कर रहा, तो ये हेडर है और मैं इसकी लोकेशन देख के बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ है तो ये हेडर है, लेकिन SEO को जो चीज़ दिखती है ना वो क्या दिखती है, वो कुछ इस तरह की चीज़ दिखती है उसको, तो उसको नहीं पता कि ये इसमें जो चीज़ यहाँ पे टैग लगा हुआ है जो, वो एक्चुअल स्क्रीन पर कहाँ दिख रहा होगा वो उसको नहीं पता लगता, ठीक है, उसको ऐसे यूँ दिख रहा होता है कोड के तौर पर, और कंप्यूटर को कोड ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नैव यहाँ पर किधर है, यहाँ पर ना हम नैव को तलाश करते हैं, कहीं ना कहीं होगा तो ज़रूर, कंट्रोल एफ करके तलाश करते हैं। ठीक है ये देखें, यहाँ से ना नैव बार ये शुरू है, सही है, और इस पे ये क्लास लगी हुई है मेन नैव,
सही है। अच्छा एक नैव बार ये है और एक और भी कहीं नैव बार है इसमें, शायद वो मोबाइल और उसके लिए दोनों ने अलग अलग बनाया हुआ है शायद। ठीक है, मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए शायद अलग अलग बनाया हुआ है, तो इस वजह से वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये नैव क्लोज कहाँ हो रहा है? ठीक है, ये नैव यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये नैव बार से उसको पता लगता है कि अच्छा जी यहाँ पे नैव है। अच्छा अगर मैं इसका पेज सोर्स बंद करूँ, अगर मैं राइट क्लिक करके भी देखूँगा ना, तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे नैव बार के अंदर होगा। मेन टॉप नेविगेशन में कंटेनर लियो, यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा कि जी ये नेविगेशन बार है। अच्छा और ये जो साइड में ये वाला पार्ट है, ये भी क्या है? ये भी नेविगेशन बार है एक्चुअली, है ना? ये भी नेविगेशन बार है ना, तो इस पे भी नेव का ही लगा हुआ होना चाहिए। इस पे कहीं ना कहीं नेव होना चाहिए ना, नेव का जिक्र होना चाहिए इस पे। हेडर, और हेडर के टॉप अंदर में टॉप डिव, और डिव के अंदर नेविगेशन दिया नहीं, वो टैग इसमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन नैव वाला। अच्छा ये ये आ हाँ गया हाँ नैव। ये आ गया हाँ अच्छा, ये उसने बोला आ ये गया इतना पार्ट नेविगेशन बार है, ये बाकी तो ये लोगो है ना और दूसरा है। अच्छा ये नैव बार आ गया, और नैव बार के अंदर आप देखें इन्होंने जो है ना एक यू एल लगाया यूएल हुआ है। लगा अच्छा ये एल यू एल भी यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? ये यू एल की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन ये यू एल एस ई ओ की वजह से लगाया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे नैव बार देखता है ना ये, तो नैव बार के अंदर एस ई ओ जो है उसके अंदर जब देखता है कि लिस्ट है ना, तो लिस्ट के वो सारे आइटम उसको पता चल जाता है कि यार ये नेविगेशन बार एक लिस्ट है और लिस्ट इसके में अंदर इतने बटन हैं और ये सारा अलग अलग पेज है। ठीक है ना, ये पता लग गया उसको। अच्छा अब और आगे देखते हैं। ये हो गया जी हमारे पास, ये फॉर्म आ गया हेडर का। अच्छा अब ये नीचे वाला जो है ना नेविगेशन बार, यहाँ पे इस पे भी नेविगेशन बार ही मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने लगाया होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है क्लास इन नेव दियो इन नैव कहाँ दिया हुआ है? हाँ नहीं क्लास है ये, तो इससे तो वो फ़र्क नहीं पड़ता वेल क्लास से। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे भी नैव का ही जिक्र किया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने नैव का जिक्र नहीं किया है। ओ एल लगा के सीधा सीधा यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, नैव बार नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर उन्होंने। ठीक है वेल, सही मानों में जो नैव बार है वो है भी कौन सा वाला? वो ये ऊपर ऊपर वाले वाला ही ही है है, ये वाला जो है उसको साइड मेन्यू कह सकते हैं। अच्छा तो ये बात हमारी हो गई कि जी एक तो बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं जो हम किसकी वजह से लगाते हैं, हम एस ई ओ की वजह से लगाते हैं उसको। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं नेविगेशन बार में वो ना लगाऊँ तब भी मसला नहीं है, वो मेरा जब भी इसी तरह अगर मैं डिव डिव करके बना दूँ तो भी इसी तरह बनेगा वो। अच्छा इसी तरीके से अब मैं कुछ मेटा के टैग्स होते हैं वो मैं ढूंढना चाह रहा था लेकिन वो मुझे उस तरह से मिले नहीं है। वेल अब यहाँ पर ना ये सारे मेटा टैग्स की जो है ना मैंने वो खोल ली है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मैं एस ई ओ मेटा टैग्स करके सिर्फ लिखूँ ना और कोई आर्टिकल शायद देखूँ तो मे बी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एम डी एन के ऊपर ना ज़रा वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है वो। अच्छा ये मैंने कोई दूसरा आर्टिकल खोल लिया, आई होप कि यहाँ पे अगर मुझे, हाँ यहाँ पे इन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग इसको बनाया हुआ है। चलो भाई बहुत अच्छा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पढ़ लेते हैं, एम डी एन को छोड़ देते हैं फिलहाल। हालांकि ये सारे टैग्स एम डी एन पर भी मौजूद हैं लेकिन अलग से नहीं है, वो सारा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, अब इसके अंदर इतने सारे टैग हैं मैं किस किस को देखता फिर हूँ ना। तो अभी हमने कौन से पढ़ने हैं जो एस ई ओ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो वाले पढ़ने हैं। अच्छा सबसे पहले है जी टाइटल का टैग। अब टाइटल का टैग क्या है जी कि ना वन ऑफ द फर्स्ट थिंग है जो किसी भी वेबसाइट में जब क्रॉलर देखता है तो ज़ाहिर है उसका सबसे पहले टाइटल आ रहा होता है। ठीक है, अगर मैं ये वाला जैसे डॉक्यूमेंट था ना मेरे पास, इन दोनों को बंद करता हूँ, ये जैसे ये डॉक्यूमेंट है, अब इस पर राइट क्लिक करके मैं व्यू पेज सोर्स करूँगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा होता है? टाइटल का टैग आ रहा होता है। अभी मैं कंट्रोल एफ करूँगा टाइटल। ठीक है, हाँ जिसका टाइटल और डॉक्यूमेंट ठीक है, इसमें लिखा है टाइटल में क्या लिखा हुआ है इसने? एम डी एन वेब डॉक्यूमेंट। एमडीएन ठीक है, एम डी एन लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे जब मैं जाके देखूँगा तो यहाँ पे ये इधर टाइटल यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है, ये देख रहे हो ऐसे करने से ये मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे करने से मुझे शो हो रहा है। अच्छा ये टाइटल भी शो हो रहा है और साथ में इस पे हाथ रखने से कुछ मज़ीद भी ये मुझे डिटेल बता रहा है ना, अब वो कैसे बता रहा है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला कि जी टाइटल टैग इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यूज़र नोटिस इन एस ई आर पी। ठीक है, एस ई आर पीज़
ये SERP पता नहीं क्या चीज़ है, अगर इसको अलग से गूगल कर लेते हैं। SERP SEO ज़रा देखते हैं ना। अच्छा अच्छा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अच्छा अच्छा सर्च इंजन रिजल्ट पेज का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, यहाँ पे कार लिखा है यहाँ पे मैंने, तो जो भी वेबसाइट्स आएंगी ना, तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई आ रही होती है ये वाली, ये असल में उस पेज का टाइटल होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये उर्दू पॉइंट के मेरे पास पेज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, और लेटेस्ट कार मॉडल 2023। तो ये असल में क्या चीज़ है, अगर मैं इस पेज को विजिट करता हूँ तो ये उस पेज का टाइटल होता है असल में। ठीक है, यहाँ पे मैं हाथ रखूँगा ना तो ये देखें, ये टाइटल असल में इस पेज का है। अगर इसमें राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इस पेज के सोर्स को, और यहाँ पे मैं टाइटल लिख के इसको सर्च करता हूँ, और टाइटल का टैग मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो टाइटल के टैग के अंदर ना आप देखें ये बात पूरी लिखी हुई होती है। तो जो टाइटल के अंदर लिखा हुआ होता है वही आपको सर्च रिजल्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है इस जगह पे ना। तो टाइटल का बड़ा ध्यान रखना है आपने कि जी आपके जो पेज का टाइटल हो ना वो रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि जब बंदा क्यों ज़ाहिर क्रॉलर जब आएगा तो वो टाइटल के ज़रिए उसको कर रहा है सॉर्ट। तो इट्स द टाइटल ऑफ योर पेज दैट ऑफर्स अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट योर कंटेंट इज़ अबाउट, है कि आपका जो टाइटल है पेज का उसको ही देख के सबसे पहला ये तासुर मिलता है कि इस पेज में असल में है क्या। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट एज इट शोज़ अप इन द सर्च रिजल्ट। अब वो कह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट भी है कि जो क्योंकि सर्च रिजल्ट में आता वही है, शो वही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने लंबी कहानी लिखी है, लेकिन मैं ज़रा आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि क्या चक्कर है। देखिए, टाइटल आपका ना रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा टाइटल रेलेवेंट क्यों होना चाहिए, क्यों इसलिए होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने कार लिख के सर्च किया, ठीक है, अच्छा मेरी जो मिसाल के तौर पर वेबसाइट थी वो कार्स के बारे में नहीं थी, वो ट्रक्स के बारे में थी। मेरी वेबसाइट जो है वो कार्स के बारे में नहीं, ट्रक्स के बारे में। अब मैंने लेकिन टाइटल के अंदर क्या लिख दिया, कार लिख दिया, उससे नंबर एक नुकसान तो ये होगा कि कोई बंदा जब ट्रक लिख के सर्च करेगा ना तो मेरा रिजल्ट शायद उस तरह से ऊपर ना आए। ठीक है, मेरा रिजल्ट शायद उस तरह से ऊपर ना आए क्योंकि वो तो मैंने कार लिखा हुआ है, हालांकि दोनों की सिमेंटिक मीनिंग्स एक ही हैं और इस चीज़ को सर्च इंजन यानी ध्यान में रखता है इसको। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इसको ध्यान में नहीं रखता, ये तो इसका मतलब ये होगा ट्रक लिख के भी अगर कोई बंदा सर्च करता है तो मेरा जो कार वाला टाइटल है ना वो कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन वो बहुत नीचे जाकर आएगा। ठीक है, बिल्कुल टॉप पर या पहले पेज पे नहीं आएगा। तो क्या होगा इससे कि अगर मैंने टाइटल के अंदर मेरी ट्रक की वेबसाइट थी और मैंने कार लिख दिया टाइटल के अंदर, तो मेरा ट्रक लिखने से उस तरह से रिजल्ट में वो शो नहीं होगा। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब कोई कार लिख के सर्च करेगा, है ना, जब कोई कार लिख के सर्च करेगा तो वो ऊपर आ जाएगा। ट्रक वाली वेबसाइट मेरी हालांकि ट्रक की है, लेकिन जब कार लिख के सर्च करेगा तो वो ऊपर आ जाएगा। तो जब मेरी ट्रक वाली वेबसाइट ना कार लिखने से अगर ऊपर आ जाती है तो ये मेरे लिए नुकसान का सबब बनता है, है ना, क्योंकि जो बंदे ने कार लिख के सर्च किया तो उस वेबसाइट को खोलेगा और उस वेबसाइट को खोलने पे क्या मिलेगा उसको, ट्रक मिलेंगे अंदर, और उसके मतलब की चीज़ नहीं मिलेगी जो वो सर्च करना चाह रहा है। ठीक है, लिहाजा वो क्या करेगा, मेरी वेबसाइट से वो क्या हो जाएगा बाउंस हो जाएगा चला जाएगा। अच्छा, गूगल जो है वो इस चीज़ को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता है, ऐसा बोला जाता है कि गूगल इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कार, अब कार लिख के मैं पहले पे क्लिक किया ऐसे यूँ वापस आया मैं, ठीक है, दूसरे पे क्लिक किया ऐसे खुला, है ना, अभी देखो खुलने में टाइम ले रहा है, ये भी एक मसला है। जैसे यूँ मैंने किया, इसको स्क्रॉल किया, मैंने देखा और मैं यूँ वापस आया, तो इसको कहता है ये बाउंस हो गया, बंदा क्या हो गया, बाउंस हो गया वेबसाइट से। तो बाउंस होने की सूरत में क्या होता है, वो गूगल जो है ना अपने पास उसकी रैंकिंग को एडजस्ट करता रहता है, थोड़ा नीचे ले आता है, बोलता है नहीं यार इसके ऊपर ना जो कार लिखने पे ये जो वेबसाइट आती है ये कार से रेलेवेंट नहीं है, जब भी बंदे ने देखा और उसको मज़ा नहीं आया वो वापस आ गया। ठीक है, अच्छा किसी वेबसाइट पे आके बंदा स्टिक हो जाता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं स्टिक हो जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा टाइम बिताता हूँ इसके ऊपर और इस पेज को मैं ये, क्योंकि ये स्क्रॉल जो भी हो रहा है, ये कर्सर कहाँ जा रहा है, ये सब गूगल को पता है क्योंकि ब्राउज़र भी उसका है और वो गूगल के थ्रू मैं आया हूँ, और इस पे एनालिटिक्स भी मोस्ट प्रॉब्ली गूगल की लगी हुई होगी, तो ना काफ़ी उसको लेवरेज होता है, तो ईच एंड एवरीथिंग ना वो नोट कर रहा होता है कि मैं कर्सर कहाँ लेके गया, कितना इसको मैंने स्क्रॉल किया, क्या बार ऐसे तेज़ी से स्क्रॉल कर दिया, क्या हल्के से स्क्रॉल किया, या किस जगह पे जाके मैंने रोका है अपने पेज को, है ना, किस जगह पे जाके मैंने टाइम लगाया, थोड़ा सा इसको पढ़ाया मैंने किस जगह पे जाके, तो वो सारा उसको पता लग रहा होता है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स अगर उसके ऊपर लगा हुआ है ना तो उस सूरत में। ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, उसके ज़रिए वो रैंकिंग को एडजस्ट कर रहा होता है। तो हमने क्या देखा कि टाइटल की जो ना बड़ी वैल्यू है, टाइटल रेलेवेंट होना ज़रूरी है। अगर आपका टाइटल में आपने कोई ऐसी बात लिखी है ना, दो बातें रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा, मैंने क्या बताया, नंबर एक बात मैंने ये बताई है कि टाइटल रेलेवेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा, और
अच्छा अब नॉर्मल केस में आ जाते हैं ना हम, कि हमारी कार की वेबसाइट है और मैंने टाइटल में कार ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, कार लिखने पे ही मेरा पेज आएगा उसके अंदर, कुछ और लिखने पे वो नहीं आएगा, ठीक है। ट्रक लिखने पे मेरा रिजल्ट नीचे आना ज़रूरी है ना, अगर मेरी कार की वेबसाइट है, कार की वेबसाइट अगर मेरी है और मैंने कार लिखा हुआ है टाइटल में, तो ट्रक लिखने की सूरत में मेरा रिजल्ट नीचे आना ज़रूरी है। टॉप पे अगर जाता है ना ट्रक लिखने पे, तो ये मेरी वेबसाइट के लिए नुकसान है। तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं लोग कि SEO को इम्प्रूव करने के चक्कर में कुछ ऐसे कीवर्ड्स उसमें लिख देते हैं टाइटल में जिसका वेबसाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। लिहाजा होता क्या है कि वक्ती तौर पे तो आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाती है ना, कि मतलब बंदे ने कुछ भी लिखा, बंदे ने इमरान खान लिखा और आपकी कार की वेबसाइट टॉप पर आ गई, है ना, ये हरकतें लोग कर रहे होते हैं। टाइटल में कुछ लिख देंगे छोटा सा, मतलब टाइटल तो बहुत लंबा है ना, अब देखें पूरा टाइटल यहाँ शो नहीं होता, लास्ट में डॉट डॉट आ जाता है, जैसे एड्स होते हैं। हाँ, खोलने से ये देखो ये लास्ट में डॉट डॉट आ रहा है, अब डॉट डॉट के बाद वाला जो चीज़ है ना वो तो दिख नहीं रही है स्क्रीन पर, तो वहाँ पर उन्होंने इमरान खान लिख दिया छोटा सा, ये देखो यहाँ पर इस वाले में MG में ये डॉट डॉट आ गया लास्ट में, ठीक है। तो इसके आगे जो है वो कुछ ऐसा कीवर्ड लिख दिया जो अभी चल रहा है, जैसे इमरान खान चल रहा है या कोई नवाज शरीफ चल रहा है, कोई कीवर्ड है ना, कोई एक्टर है ऐसी जिसका भी वो कुछ सीन है ऐसा जो मार्केट में ऑन है, तो वो लिख दिया। तो अब होता क्या है, बंदे ने यहाँ पे आगे लिखा भाई कैटरीना कैफ और आपकी कार की वेबसाइट जो है वो टॉप पे आगे खड़ी हो गई, लिहाजा होगा ये कि उसके ऊपर विजिट तो नहीं आएंगे, सही है। अच्छा, अगर विजिट आते भी हैं उसके ऊपर, क्योंकि बंदे ने ना जब कैटरीना कैफ लिख के सर्च किया है तो वो पूरा टाइटल तो कार वाला ही ना, अपने लास्ट में उसके कैटरीना कैफ लिखा हुआ, तो वो उसको शुरू में ही दिख जाएगा कि भाई 500 बेस्ट कार फोटो, वो कहेगा यार मैंने तो कैटरीना कैफ लिखा, तो इस पर विजिट वो नहीं करेगा, वो मोस्ट प्रोबली सेकंड वाले पे या थर्ड वाले पे मूव करेगा वो, ठीक है। अच्छा, और अगर वो खुदा ना खास्ता, हाँ अगर वो विजिट करता भी है तो उसका विजिट करना मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि मुझे उल्टा नुकसान देगा, क्योंकि विजिट अगर करता भी तो फ़ौरन बाउंस होगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए कि जी वेबसाइट खोलते ही ना मैं उसको सामने कोई ऐसी चीज़ दिखाऊं कि वो बिल्कुल इंगेज हो जाए, अनटिल एंड क्या, अच्छा फिर वो इंगेज होने वाली चीज़ हर बंदे के लिए अलग होती है ना, हर बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है। तो अगर इस तरह का कोई काम करते भी आपके सामने कोई आपने ऐसी चीज़ रख दी कि बंदा जो है ना थोड़ी देर आगे उस वेबसाइट पर स्टे करता है, ठीक है, बिल्कुल फ़ौरन नहीं जाता, या सामने आपने कोई ऐसी ऑफ़र लगा दी, लेकिन वो ऑफ़रें तो आपको पता है हर वेबसाइट ने लगाई होती हैं आजकल, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, ये सामने आप कोई ऐसी चीज़ लगा देते हो जिसकी वजह से वो रुके अगर, तो इससे लोग कैश कर भी रहे हैं इसको कैश कर भी रहे हैं लोग, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। सही तरीका यही है कि आपका जो टाइटल हो वेबसाइट का वो रेलिवेंट हो, और क्या कहते हैं आप क्या करें उस रेलिवेंट टाइटल के साथ ही आप अपने SEO को परफॉर्म करें, ठीक है। बाकी चीज़ ये होती है कि जितना विजिट होता जाएगा आपकी वेबसाइट पे और फिर जितना लोग स्टे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, ठीक है। टाइटल सही लगाना है आपने और अंदर का जो कंटेंट है, अच्छा अब ये एक सवाल है कि भाई लोग स्टे क्यों करेंगे आपकी वेबसाइट पे आगे, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसके फैक्टर नंबर एक फैक्टर तो ये आपके वेबसाइट की स्पीड है, ठीक है। मैं किसी भी वेबसाइट में जाता हूँ, जैसे मैं अगर इस पार्क व्हील की वेबसाइट पर चला जाता हूँ, ठीक है, तो पार्क व्हील की वेबसाइट स्लो खुलती है ना, स्लो खुलती है अच्छी खासी, ठीक है। इसके लिए एक टूल होता है हमारे पास, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, इसके लिए एक टूल होता है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस टूल जो है ना, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि मेरी वेबसाइट की स्पीड को ये चेक करके बताता है। मैंने SEO पे चेक लगाया और मैंने कहा जी कि नेविगेशन डिफ़ॉल्ट और मैंने कहा भाई डेस्कटॉप के ऊपर, ये तीन चीज़ों पे मैंने चेक लगाया और मैंने कहा भाई एनालाइज़ करो इस पेज को ना, तो अब ये क्या करेगा, इस पेज को एनालाइज़ करेगा, इस पेज को ये रीलोड करेगा, अच्छी तरह घुमा फिरा के इसको देखेगा और इसका एक स्कोर बताएगा मुझे, और मुझे बताएगा कि यार इसका स्कोर जो है ना इतना है, ठीक है। अच्छा, इसका स्कोर क्या होता है, 0 से लेकर 100 तक का एक परसेंट मुझे बता रहा होता है ये, ठीक है। देखो इसको डिफरेंट डिवाइसेस को खोल खोल के ये देख रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आया ना वो 75 आया है स्पीड का इसके एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा, स्पीड और ये दूसरे भी SEO की सारी चीज़ें चेक कर लेता है, जैसे ये मुझे बता रहा है, देखिए ना इमेज के अंदर ALT का एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ है ना, तो ये SEO से मुताल्लिक सारी चीज़ें मुझे चेक करके बता देता है कि क्या क्या गड़बड़ है, तो मैं वो सजेशन देता है, मैं उसको जाके सही कर लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा, किसी और वेबसाइट पर अगर मैं जाता हूँ, इसका स्कोर तो 75 आ गया, अब मैं किसी दूसरी वेबसाइट पर जाके ना इसी चीज़ को ज़रा मैं दोबारा से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। मैं कार लिखा था ना, मैंने कार लिख के दोबारा सर्च कर लेता हूँ, असल में वो कई दफ़ा उसने नेविगेट मारा है ना। अच्छा, अब इसमें जो फ़ौरन खुलने वाली, मेरे ख्याल ये फ़ौरन खुली थी ना, उर्दू पॉइंट ये फ़ौरन खुली थी। अब इसके ऊपर यही वाली स्पीड हम दोबारा चला लेते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है।
सर इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इन्होंने भी ये छोटी छोटी गलतियाँ की हुई है। इसका जो स्कोर है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 100 इसका भी नहीं है, ठीक है, 100 इसका भी नहीं है। इसने क्या बोला है कि लिंक आर नॉट क्रॉलेबल, इन्होंने लिंक कुछ इस तरह से लगाए हैं कि वो क्रॉल नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब वो क्या पता नहीं लगाया इन्होंने लिंक में, क्या किया इन्होंने ऐसा, ULLI सही तो लगाया है, अब पता नहीं क्या मिस्टेक की इन्होंने इसमें। वेल, तो वापस हम जाते हैं लाइट हाउस पर, ठीक है। अच्छा, तो ये भी कंटिन्यूसली सीखते रहने की चीज़ है। अब यहाँ पे इसने बोला ना लिंक आर नॉट क्रॉलेबल, तो अब इसको पढ़ेंगे कि जी हाउ टू मेक लिंक क्रॉलेबल। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई इसने लिंक ना इस तरह का लगाया है, स्क्रॉल टू टॉप वाला, स्क्रॉल टू टॉप वाला कोई इसने माल तैयार किया हुआ है। तो ये है वो लिंक जिसके बारे में ये कह रहा है कि ये नॉट स्क्रॉलेबल है, ये वाला है वो लिंक, है ना। इसके ऊपर जो URL लगा हुआ है ना, वो ऑन क्लिक करके इसके ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो वेल, अब वो उसके नीचे सजेशन आ रही है कि जी अब वो कैसे उसको सही करें, है ना। ये लिंक आ रहा है कि इस पर जाके आप देख लोगे, इसको क्रॉलेबल अगर बनाना चाहता हूँ मैं तो वो कैसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कह रहा है भाई लिंक इस तरह लगना चाहिए, ठीक है, और नॉट रिकमेंडेड है ना, राउट लिंक करके नहीं लगाना आपने, HREF करके लगाना है, इस तरह करके लगाना है, ठीक है। तो चीज़ें रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसको मैं वापस से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी ऐसी वेबसाइट को जाके स्क्रॉल करता हूँ जो क्या हो, किसी बहुत ही अच्छी कॉलेज, जैसे अनस्प्लैश एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं यही सेम चीज़ परफॉर्म करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या जो है स्पीड ये मुझे दे रहा है, ठीक है। मैं इसको पेज को एनालाइज करता हूँ, ठीक है, इसका 92 है, काफ़ी उससे ज़्यादा SEO स्कोर है इसका, ठीक है। हालांकि इमेजेस का भी तो फ़र्क होता है ना, कोई ज़्यादा हैवी पिक्चर्स लगाई होती हैं तो टाइम लेती है। हाँ टाइम लेती है, हाँ वो सब चीज़ें, सब चीज़ें काउंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक परफॉर्मेंस का भी एक होता है कि मैं परफॉर्मेंस भी मैं चेक करूँ, ठीक है। मैं वापस इस पर जाता हूँ, इस वाले अनस्प्लैश पे, उसकी परफॉर्मेंस भी मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस भी चेक करो और SEO भी चेक करो। तो परफॉर्मेंस भी मुझे ये बता देगा कि परफॉर्मेंस का क्या सीन है, कितने सेकंड में लोड हुई है, कितने सेकंड में अनलोड हुई है। कोई इमेज अगर ज़्यादा बड़े साइज़ की तो नहीं लगी भी तो सारा पकड़ के मुझे ये बता देता है, तो अब उसको सबको फिक्स कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। परफॉर्मेंस भी 99 परफॉर्मेंस है इसकी, आप देख रहे हो, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर चलाऊँ, जैसे कि पार्कव्हील के ऊपर मैं परफॉर्मेंस भी चलाऊँ साथ में, पहले तो मैंने सिर्फ SEO चलाया था, मैंने कहा जी परफॉर्मेंस भी अच्छा, एक्सेसिबिलिटी भी चलाता हूँ मैं। एक्सेसिबिलिटी ये होता है कि अगर नाबीना बहरे अफराद अगर आएंगे इस वेबसाइट पर तो क्या उनके लिए यूज़ेबल है, तो एक्सेसिबिलिटी पे मैं चेक लगाऊंगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी लगाने से भी गूगल में इसका स्कोर ऊपर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि यार बंदे सीरियस हैं, अच्छे से तैयार कर रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है, तो उसको वो ज़रा टॉप पे ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या चला दिया, SEO भी चला दिया और परफॉर्मेंस भी चला दिया, दोनों को एक साथ मैंने चला दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करेगा और साथ में SEO भी चेक करेगा इसकी। SEO में मोर और लेस वो ये चेक कर रहा होता है कि कोई चीज़ कम तो नहीं है, जैसे टाइटल हो सकता है मिसिंग हो ही ना टाइटल, तो वो मुझे बता देगा कि जी ठीक है, परफॉर्मेंस भी इसकी कम है, SEO भी कम है इसकी, ठीक है। तो ये वाला एक यानी इशू इसके अंदर है इस वेबसाइट में, ठीक है। अच्छा, यही काम मैं अगर उर्दू पॉइंट वाले पे जाके करूँ, उर्दू पॉइंट पे देख लेते हैं, उर्दू पॉइंट का ज़रा स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा आया था, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रहा है मुझे, परफॉर्मेंस में 90 प्लस शायद आएगा इसका, ठीक है। परफॉर्मेंस में इसका क्या आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस में जो ये मतलब परफॉर्मेंस के जो इशूज़ है ना वो भी ये नीचे बता रहा होता है ना कि जी परफॉर्मेंस में क्या इशूज़ हैं, ये पूरा स्क्रीन शॉट इसने लेके मुझे बताया हुआ है, ठीक है। रिड्यूस इनिशियल टाइम के यहाँ पर जी मसला है, यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है कि इस तरह कर लें आप इसको, ठीक है। यहाँ पे मसला है, लार्जेस्ट कॉन्टेंट फुल पेंट इमेज वाज लेजी लोडेड, ठीक है। ये एक फ़ोटो इसमें लगी हुई है, ये पता नहीं किधर है पेज में, यहाँ पे कहीं लगी हुई है, कह रहा है भाई ये तो लेजी लोड हुई है, सही है। अवॉइड एक्सेसिव डॉम साइजेस, डॉम का साइज़ बहुत बड़ा हुआ हुआ है इसका, मैक्स लेंथ इन्होंने पता नहीं शायद बढ़ाई भी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें इसको आप एक एक करके सही करोगे तो ये सारा सेट हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन ओके हो जाएगा। अच्छा वेल, अच्छा ये तो उस का पेज का था ना, ये तो इस पेज का नहीं था, इस पेज पे अब दोबारा चलाता हूँ, वो तो पार्कव्हील वाले पे वो फ़ोटो का मसला बता रहा था। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी आई है, ठीक है, उर्दू पॉइंट वाले की तो, और SEO लेकिन इसका कम है। SEO के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे बता रहा है मुझे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जी,
एलिमिनेट रेंडर ब्लॉक रिसोर्स. अच्छा नहीं, ये तो वो वाला है SEO का, यहाँ पे से शुरू है. लिंक्स का लिंक्स आर नॉट क्रॉलेबल एक आ रहा है, और एक आ रहा है कि इमेज एलिमेंट डू नॉट हैव अल्टरनेट टैग. ठीक है, और बस इतना ही आ रहा है. ठीक है, अगर ये दो चीज़ों को कर ले तो इसका ये स्कोर भी बढ़ जाएगा. अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉलर्स जो होते हैं ना, गूगल के क्रॉलर्स जो होते हैं, वो इसका ये स्कोर चेक करते हैं. ठीक है, अगर स्कोर बावजूद उसके कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन स्कोर कम हो गया ना उसकी वजह से, तो ये मेरे लिए एक मसले की बात है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इज़ वैलिड है, सब कुछ ठीक है. ये हैज़ मेटा टैग, हैज़ डॉक्यूमेंट टाइटल देखो मौजूद है. ठीक है, मेटा की डिस्क्रिप्शन मौजूद है, पेज HTTP स्टेटस कोड सही आ रहा है इसका. ये सारी चीज़ें इसने चेक की हैं, और इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे इसने ये क्या किया, इसे स्कोर कैलकुलेट किया 82. ठीक है, अच्छा रोबोट डॉट टेक्स्ट करके भी है. अब ये रोबोट डॉट टेक्स्ट वगैरह क्या होता है, अब आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पर अभी जाके चलाया ना, अब ये रोबोट डॉट टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, अब इसके लिए ये पूरा आपको जाके देखना पड़ेगा कि यार ये है क्या चीज़ रोबोट डॉट टेक्स्ट. तो ये आपको लगाना होता है अपने वेबसाइट के फोल्डर के अंदर. ठीक है, सारा SEO से इसका ताल्लुक है. तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई, समझ आई ये बातें. ठीक है, नंबर एक तो मैंने ये देखा कि SEO होता क्या है, नंबर दो हमने देखा कि टाइटल बड़ा मैटर करता है और टाइटल रेलिवेंट होना उसका ज़रूरी है. नंबर तीन हमने ये देखा कि टाइटल सही है अगर, और बंदा सम हाउ मेरी वेबसाइट पर आ जाता है अगर, तो वो स्टे क्यों करेगा मेरी वेबसाइट पर. स्टे करेगा सबसे पहले कि पेज जल्दी लोड होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट की. ठीक है, SEO के जो सारे टैग्स होते हैं इसके अंदर वो सारे लगे हुए होने चाहिए, और मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर इन जो रेलेवेंट कंटेंट सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरा जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होने के साथ साथ इंजॉयबल भी होना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन, जैसे ये अभी वेबसाइट कार वाली है, अब कार के ऊपर जो वेबसाइट है ना, ये कंटेंट इंजॉयबल होना चाहिए. जैसे ये लैंड रोवर है, इसकी जो फोटो इस वक्त लगी हुई है यहाँ पे, ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो नहीं है, ब्लर फोटो है, देख के ही ब्लर लग रही है. ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो शायद इतना अच्छा इनका नहीं है कलर कॉम्बिनेशन. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि क्या एक बंदा आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, अब जैसे मैं अगर कॉफ़ी शॉप लिखता हूँ यहाँ पे और न्यूयॉर्क लिख देता हूँ साथ में, तो न्यूयॉर्क की जो कॉफ़ी शॉप्स हैं उनका यहाँ पे आ जाएगा. अब मैं रैंडमली को ये खोलता हूँ तो ये वेबसाइट बेहतर होगी उर्दू पॉइंट वाले से. ठीक है, डिज़ाइन में भी, कलर्स में भी, तमाम एस्पेक्ट में ना ये उनसे बेहतर होगी. ठीक है जी, ये कॉफ़ी देखो, इसके ऊपर एनिमेशन भी है, ये खुली भी जल्दी है वेबसाइट, ये एनिमेट करके भी आई है, इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा इन्होंने डिज़ाइन रखा हुआ है. ठीक है, शॉर्ट सी वेबसाइट इन्होंने बनाई भी है. ठीक है, ये मेन्यू आ गया आपका, इधर आके बंदा स्टे करेगा इस मेन्यू के ऊपर, इसको पढ़ेगा, है ना, यहाँ पे स्टे करेगा, ये हुक है इसके पेज के ऊपर, ये इसको बंदे को रोकेगा, ये जो चीज़ है ना, ये बंदे को रोकेगा, इधर हुक कर लेगा. अच्छा, इससे पहले जो था वो सारा फ़ोटो था, इसमें ये था कि फ़ोटो देखते देखते बस आप जा रहे हो, दैट्स इट. यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा हुक नहीं लगाया था, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पढ़े बंदा, रुके इसको, ठीक है, इस फोटो को थोड़ा देखे, दो तीन सेकंड देखता है ना बंदा फोटो को, समझता है देख के, यहाँ रुकेगा शायद, इस पे नहीं रुकेगा बंदा, मोस्ट प्रॉब्ली इस पे भी नहीं रुकेगा. ठीक है, यहाँ पे शायद इस फोटो को थोड़ा सा देखे, लेकिन देखेगा क्या, बस ऐसे स्क्रॉल करता रहेगा, यूँ ऐसे स्क्रॉल करता रहेगा, और अल्टीमेटली जो वो यहाँ पे आके ऐसे नीचे तक पूरा स्क्रॉल मारेगा, उसके बाद इधर वापस आएगा इस मेन्यू पे, उसके बाद जाएगा यहाँ मैप के ऊपर कि देखने के लिए कि अच्छा यार ये है किधर. तो ये इस वेबसाइट का पूरा फ्लो होगा ना. ठीक है, अब रैंडमली मैं कोई और दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ, मैंने ये क्लिक किया तो कि जल्दी खुलना चाहिए. ठीक है, खुल गई वेबसाइट मेरी, सामने एक ऑफ़र भी आ गई मेरे कि भाई सेम बिजनेस डे शिपिंग करके ऑफ़र है. ये ऑफ़र भी क्यों लगाई जाती है आमतौर पर, बंदे को रोकने के लिए यहाँ पर, कि बंदा रुके. लेकिन सम टाइम ये ऑफ़र जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर ये वन डे प्रोसेसिंग है ना, अगर ये वैसे गोरों को समझ आ गया अगर कि वन डे प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, तो वो उसको लगेगा अच्छा ये मेरे के लिए ऑफ़र है कोई, तो वो रुक जाएगा. लेकिन जैसे मैं हूँ ना, यानी पाकिस्तानी डायनेमिक का बंदा, तो उसको ये पोस्टर समझने में टाइम लगेगा कि ये जी सेम बिजनेस डे शिपिंग क्या चीज़ है, ये इसको समझने में उसको टाइम लगेगा. तो बेहतर है कि आप अगर ये लगा रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के ही आप लगाएं कि यार ऐसी चीज़ लगाऊं कि जो पहली झलक में बंदे को ना, बंदा बोले अरे ये रुकना है मेरे को यहाँ पर, 1000 का नोट जैसे पहली झलक में दिखता है ना, अरे नोट है. एक बात नहीं कही, जिस जो भी डायनेमिक है आपकी वेबसाइट की, जो भी डायनेमिक है, कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, जैसे 1000 का नोट होता है ना, यूँ झलक भी दिखा देना बंदा, बंदा बोलता है ये नोट था. तो ऐसे एक झलक में ना वो चीज़ पता लग जानी चाहिए, अगर ये आपने इस पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है ना. देखो ऑफ़र है ना ये, कि भाई ऑर्डर टुडे अगर आप करोगे तो सेम बिजनेस डे पे आपको शिपिंग मिल जाएगी, ये एक ऑफ़र है. जिसकी वजह से बंदा क्या करेगा, बंदा बोलेगा यार मैं बैक किया ना, अगर मैंने ये ऑफ़र ख़त्म ना हो जाएगा, तो बंदा यहीं पे क्लिक मार देता है उसको ना. लेकिन स्टिल यहाँ पे आपने ऐसी चीज़ लगानी है जो एक झलक में रिकग्नाइजेबल हो.
ठीक है, मेरे लिए ये रिकग्नाइजेबल नहीं है, हो सकता है किसी गोरे के लिए हो, लेकिन मेरे लिए ये वाला पोस्टर जो खुला है ये रिकग्नाइजेबल नहीं है मेरे लिए। वेल, मैं इसको कट करता हूँ, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जल्दी खुल गई है, इसका ये लोगो शोगो भी दिख गया मुझे, ठीक है, बस यहाँ पे इसके अंदर जो है ना कोई हुक ऐसा नहीं लगा हुआ है, कोई कोई ऐसा खास हुक नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, या लोकेशन में जाके देखूंगा दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है, दूसरे पेज पे लोकेशन मैंने देख ली इसकी जाके, दैट्स इट। तो हमने क्या देखा कि एक वेबसाइट को ना अंदर से क्या होना चाहिए, ना सिर्फ फास्ट होना चाहिए बल्कि ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, उसके अंदर जो कंटेंट हो वो इन्जॉयबल होना चाहिए। अब हर एस्पेक्ट से ना जितनी जो भी एस्पेक्ट हैं उस लिहाज से मैं उस वेबसाइट को बेहतर बनाऊं, ठीक है, उसमें अब कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के सामने खोल ना सकूं, किसी के सामने खोलूं तो एम्बैरेसमेंट हो जाए, इस तरह का भी कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खोलते ही कोई पीछे गाना बजना शुरू हो जाए, इस तरह की हरकतें ना हो उसके अंदर, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, अगर गाना बजाना तो फ़ौरन मैं बैक करूँगा ना, ये बैक तो मेरे हाँ नहीं तो तुम्हें देखेंगे ना, तो ठीक है, तो मैंने भी जब बोला ना कि वेबसाइट खुलते ही गाना बजने लग जाए तो मैंने भी तुम्हें ही देखा कि अब तुम क्या बोलोगे, गाने की जगह तो बहुत कुछ बज सकता है ना यार, तो मैंने तुम्हें ही देखा मैंने भी तो क्योंकि देखो अब जैसे मैंने किसी वेबसाइट को विजिट किया ना तो बैक का बटन तो मेरे हाथ में है ना, ये हर बंदे के हाथ में होता है बैक का बटन, तो वो जैसे ही कुछ बजेगा ना टन टून जैसे ही हुआ वो बंदा फ़ौरन बैक कर सकता है, ऑप्शन है उसके पास ये, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑफ भी करना, हाँ डायरेक्ट ऑफ भी करना पड़ सकता है आपको, हो सकता है बैक ही रिप्रेवेंट मार दे वो। अच्छा तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, अच्छा अब हम चलते हैं ज़रा इसके अंदर, किसी एक वेबसाइट के अंदर चलते हैं, ठीक है, जैसे ये उर्दू पॉइंट वाली वेबसाइट है ना, मैं अगेन इसके अंदर लाइट हाउस खोलता हूँ, और लाइट हाउस खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर SEO और परफॉर्मेंस को दोनों को रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा और मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट भी जो मैंने बनाई थी लास्ट, हमने कौन सी बनाई थी, मीडिया क्वेरी वाली, चलो मीडिया क्वेरी में वैसे कुछ है नहीं कंटेंट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर इसमें शायद हमने एक बनाई थी, वो फॉर्म वाली बनाई थी शायद, फॉर्म वाली को चलो ओपन करता हूँ, ठीक है, फॉर्म वाली वेबसाइट को मैंने ओपन किया। अब ये एक वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है ना वो 100% आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कोई फोटो लगी हुई है ना कुछ लगा हुआ है, कोई इंटरनेट से API भी कॉल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये 100% ही आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा वो है ना हमारा जो इसके अंदर SEO है वो 0 आएगा, क्योंकि SEO का टैग इसमें एक भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो चला के देखते हैं। अच्छा एक चल रहा है तो शायद दूसरा नहीं चलेगा, ऐसा है क्या, कैन ऑडिट पेज ऑन HTTP और HTTPS, अच्छा वो कह रहा है कि उसको HTTPS पे ओपन करोगे आप, तो इसको GitHub में होस्ट भी करने के बाद भी चला सकते हैं, लेकिन मैं फौरी तौर पे क्या करता हूँ यहाँ पे वो चला देता हूँ, गो लाइव वाला बटन चला देता हूँ, सही है ना, गो लाइव वाला बटन चला देता हूँ। अच्छा ये वाला पेज तो नहीं करना था ना मैंने, गो लाइव तो मैंने ये वाला पेज करना था, तो इस पेज पे आके मैं जब दबाऊंगा ना गो लाइव तो ये वाला खोल के देगा मुझे वो, फिर ठीक है ये HTTP पे खुल गया। अब इसको ज़रा हम क्या करते हैं, लाइट हाउस चलाते हैं इसके ऊपर हम, ठीक है, परफॉर्मेंस और SEO मैंने चला दिया। अच्छा एक्सेसिबिलिटी भी 0 आएगी इसके ऊपर, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी भी इस पे 0 ही आएगी ऑब्वियसली। लाइट हाउस गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस 100% आएगी क्योंकि ना कोई API कॉल है, देर तो लगेगी नहीं ना इसमें, सिर्फ HTML में क्या देर लगेगी, ठीक है, अगर CSS लगाता मैं, कोई बड़ी CSS लाइब्रेरी लगा देता वो लोड होने में शायद टाइम लगाती, कोई फॉन्ट अगर मैं लगाता तो वो लोड होने में टाइम लगा सकता था, कोई इमेज लगाता या कोई वीडियो लगाता वो लोड होने में टाइम लगाता हूँ, परफॉर्मेंस का कोई इशू है ही नहीं इसमें। अच्छा SEO जो है ना, हाँ SEO में अब देख लेते हैं कि क्या क्या मुझे बता रहा है वो। SEO में इसने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन का इसके अंदर जो है ना टैग नहीं लगा हुआ, ठीक है, मेटा के अंदर क्या होता है ऐसे डिस्क्रिप्शन करके हम लगा रहे होते हैं, नेम डिस्क्रिप्शन होता है, उसके नीचे क्या होती है वैल्यू होती है साथ, तो मैं क्या करूँगा इसी फॉर्म वाले पे ये मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसी फॉर्म वाले पे कर ले, बाकियों को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस फॉर्म वाले पे ही सारा काम कर रहे हैं आज की डेट में, या बल्कि काम करते हैं इस फॉर्म वाली पूरी वेबसाइट को मैं कॉपी करके ना अपने वाले इधर वाले पे ले आता हूँ, ताकि वो पुराना डेटा भी हमारा रहे और नया वाला भी रहे, ठीक है, इसको पूरे को उड़ा के ना मैं ये वाला बना देता हूँ, ये कुछ वेबसाइट में कोई डेटा तो होना हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लगाना है, मेटा टैग लगाना है, किसका लगाना है मुझे, डिस्क्रिप्शन का लगाना है,
ठीक है, मैंने कहा कॉपी, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा टाइटल देखें यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा लेकिन वो लाइट हाउस ना, एक बात और भी समझ लो, लाइट हाउस सिर्फ ये देखता है कि टाइटल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब टाइटल में क्या लिखा हुआ है, आया कि वो मेरे पेज से रेलेवेंट है या नहीं है, ये लाइट हाउस का काम नहीं है, ये आपका काम है कि इसमें आपने क्या लिखना है और रेलेवेंट होना चाहिए, कोई ऐसी इररेलेवेंट चीज़ इसमें ना हो। अच्छा तो मैंने डिस्क्रिप्शन लगा दिया, और डिस्क्रिप्शन के साथ में नेम के साथ ना कॉन्टेंट होता है ना, कॉन्टेंट होता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लगा दूंगा भाई, दिस इज अ डेमो। ये पहले से लगे, मैं इनको छोड़ दूँ, ये भी असल में ये भी जो है ना मेटा के जो टैग्स हैं ये ऐसे हैं कि हर वेबसाइट में आपको चाहिए होते हैं ना, तो इस वजह से ये लगाया हुआ है। तो मेटा के ये वाला जैसे डिस्क्रिप्शन है ये भी इनको देना चाहिए था, जैसे टाइटल दिया हुआ तो डिस्क्रिप्शन भी दे देते, लेकिन वेल ये हमने खुद से लिख दिया, दिस इज़ अ डेमो वेबसाइट मैंने लिख दिया, और मैं इसमें 4-5 लाइन की जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख सकता था। अच्छा और क्या इसने एरर दिया है, आ जाओ देख लेते हैं। बस डेमो ही दिया, अच्छा बस इसने यही दिया है, ठीक है। अच्छा ये देखो, मेटा का व्यू पोर्ट टैग है, टाइटल है, पेज सक्सेसफुल HTTP के ऊपर चल रहा है, HTTP के ऊपर, ठीक है। लिंक हैव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, अब देखो मेरे पास ना लिंक्स जो है वो क्या है, मेरे पास लिंक्स बहुत कम है यहाँ पे, या है ही नहीं शायद, लिंक्स बहुत कम है मेरे पास, ठीक है। लिंक के ऊपर ये देखो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना लिंक के ऊपर, कि यार ये लिंक को क्लिक करने से क्या होगा, तो इसने बोला कि यार लिंक के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, अब इस लिंक से उसका टेक्स्ट का ताल्लुक है या नहीं है ये नहीं बताएगा आपको, ये तो एज अ ह्यूमन आपने खुद देखना है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास लिंक, बस एक ही लिंक है इस पूरी वेबसाइट के अंदर, तो ये इसने मुझे बता दिया। अच्छा पेज इज़ नॉट ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग, ठीक है, पेज इज़ नॉट ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग क्या होता है, ये नो फॉलो जो ऊपर लगाते हैं ना, यहाँ पे एक नो फॉलो का टैग होता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक नो फॉलो का लगाते हैं। अभी वो नो फॉलो यहाँ आ रहा होगा, इधर मैं जाऊँगा ना इधर ये टैग्स में, तो नो फॉलो इधर ये दिखा रहा होगा मुझे, यहाँ पे मुझे दिखा रहा होगा ये, हाँ ये था ना, इससे हम देख रहे थे, टाइटल हमने देख लिया था, अभी और टैग्स ये दिखा रहा होगा। अच्छा ये आ गया ना, मेटा की टाइटल होना चाहिए, टाइटल का टैग, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और कीवर्ड्स का एक टैग होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स का टैग जो वो किस तरह से लगता है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉन्टेंट हो गया, ये हेड के अंदर होगा। अच्छा इसी तरह क्या होगा मेरे पास, ये कीवर्ड्स का भी टैग होगा। मैं यार मुझे लग रहा है वापस मुझे ये खोलना पड़ेगा, मेटा टैग्स, तमाम मेटा टैग्स यहाँ पे आ जाए ना जो, तो वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा होगा फिर MDN के ऊपर ना, वो सबका मुझे नाम दिख रहा होगा, ठीक है जी, स्टैंडर्ड मेटा नेम्स। अच्छा यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, वो क्या मुझे चाहिए था वो कीवर्ड का ना, ठीक है, ये कीवर्ड आ गया। अच्छा कीवर्ड में भी क्या सीन है, ये स्टैंडर्ड मेटा नेम है असल में ये, ठीक है, तो कीवर्ड इसमें नेम होगा और इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्या होगा, कंटेंट होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आके लगा देते हैं इसको, हम यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे आके हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे हम, कीवर्ड है कीवर्ड्स है, स्टैंडर्ड मेटा नेम्स कीवर्ड में एस भी है, ठीक है, तो कीवर्ड में एस मुझे लगाना होगा। और यहाँ कंटेंट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि यार फॉर्म के मुतालिक ये वेबसाइट है, ये कार के मुतालिक ये वेबसाइट है। अच्छा इसको कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं या स्पेस सेपरेट लिखते हैं ये मैं भूल रहा हूँ, तो अभी ज़रा देख लेते हैं इसको, कॉमा सेपरेटेड शो कर रहा था, लिख रहा था, अच्छा वर्ड रेलिवेंट टू पेज कॉन्टेंट सेपरेटेड बाई कॉमा, हाँ सही है, तो कॉमा सेपरेटेड है ये, सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कॉमा से मैं इसको क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, मैं कहूंगा कि यार लग्जरी कार, सही है लग्जरी कार। अच्छा लग्जरी कार की जब मैं स्पेलिंग भी मुझे सही लिखनी होगी, ठीक है, या SUV ना, ये बात मैंने लिखनी। अच्छा लग्जरी की स्पेलिंग मैं ज़रा देख लेता हूँ कि क्या सही है, क्विक फिक्स लग्जरी कार, ठीक है। तो ये मैंने 1, 2, 3 और 4 कीवर्ड मैंने इसके यहाँ पे टाइप कर दिया। इस कीवर्ड को भी क्या करता है, क्रॉलर देखता है कि क्रॉलर जो है वो टाइटल को देखता है, डिस्क्रिप्शन को देखता है, और कीवर्ड को देख के अंदाज़ा लगाता है इस पेज के ऊपर क्या है, और पेज का एक्चुअल कंटेंट भी देखता है, जैसे हेडिंग H1 वगैरह जितनी होती है ना इनको भी देखता है, सही है। तो इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन लगा के ना, जो बंदे ने सर्च टर्म लिखी है, तो इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन से वो पता लगाता है कि सर्च टर्म में आपका पेज, मतलब हम इसमें कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे वो हमको दिखा रहा होगा। नहीं कीवर्ड असल में क्या होता है कि जैसे कुछ
देखो कीवर्ड असल में होता क्या है, कीवर्ड असल में ये होता है कि आपने ना डॉक्यूमेंट में लिख दिया, मिसाल के तौर पे कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा कि कार्स 2023, ठीक है, आप 2023 की न्यू कार्स आप शो करा रहे हो, न्यू रिलीज्ड कार्स इन 2023, ये आपके समझ लो वेबसाइट का क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना जो इस टाइटल में आप फिट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप इस टाइटल में फ़िट नहीं कर सकते, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में फ़िट करोगे फिर, है ना। आप बोलोगे कि भाई दिस पेज टेल्स कि भाई इस साल जो भी कार्स रिलीज़ हुई हैं 2023 में, तो उन सब की ये एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है, और ना सिर्फ उसमें लिस्ट है बल्कि उसके साथ में प्राइस भी है, उसका कंपनी का नाम भी है, उसकी रेटिंग्स भी हैं, ये सारी बातें आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिख सकते, है ना, वो कौन सी बात होगी। मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा कि यार हमने ना बड़ी बड़ी कंपनियों के कार जो जितनी भी है ना तमाम वो लेकर आ गए हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पेज के ऊपर जो कार्स हैं ना वो हैं 200 अलग अलग कंपनीज की कार है, BMW है, शेवरलेट है, होंडा है, सुजुकी है, है ना, ये 200 अलग अलग कंपनीज की कार है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे एक तो लिखा हुआ है, नीचे तो पैराग्राफ के अंदर वो क्योंकि लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ की इतनी प्रेसिडेंस नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, मैं तमाम कंपनी के नाम ना कॉमा सेपरेटेड करके यहाँ लगा दूँगा कि अगर कोई मर्सिडीज़ भी लिखता है ना तो मेरा पेज रिलेट कर रहा होगा, ये मर्सिडीज़ का कुछ हो ही हुई बात इस पर, ठीक है। लिहाजा कीवर्ड का जो प्रेसिडेंस है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन से कम होती है, लेकिन होती है, ठीक है, H1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ये H1 से ज़्यादा होती है, थियोरेटिकल बात है, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बात क्या हो रही है कि यहाँ पर मैं जो मेरे बात लिख दी यहाँ नहीं लिख सकता था, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दी, डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख दी, ठीक है। अच्छा, बाकी फिर जो ये हेडिंग है ना, ये तो चलो यूज़र के हिसाब से होगी कि यूज़र को मैंने जो बेस्ट हेडिंग के अंदर, ज़्यादा SEO करने के चक्कर में भी गड़बड़ हो सकती है कि जी मैंने SEO के चक्कर में हेडिंग में ना कीवर्ड्स डाले और कीवर्ड्स की वजह से वो हेडिंग इटसेल्फ ख़राब हो गई, अपने सिमेंटिक मीनिंग्स में वो ख़राब हो गई। बंदा आता है, बंदा बोलता है ये कैसी हेडिंग है, उसको हेडिंग पढ़ के अब समझ ही नहीं पा रहा कि ये हेडिंग में बोला क्या जा रहा है ना, बात हो रही क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेडिंग में आप इस तरह से उसको क्राफ्ट ना कर दो कि जो है ना आपका सिमेंटिक मीनिंग उससे ख़राब हो जाए, ठीक है, ये नहीं आपने काम करना होता उसमें। लेकिन अगर सर वो उनसे मैच कर रही होगी तो SEO, हाँ मैच कर रही होगी तो SEO में बिल्कुल वो हेल्प कर रही होती है। अच्छा, और आ जाते हैं जी हम, ठीक है, इस आर्टिकल में आ जाते हैं। इस आर्टिकल में और इन्होंने क्या बताया भाई, रोबो मेटा टैग, ठीक है। अच्छा, जो ये अभी लाइट हाउस ने हमें बोला था ना कि ये अलाउ करता है ना, इज़ नॉट ब्लॉकिंग फ्रॉम इंडेक्सिंग, तो वो ये वाला टैग है, ठीक है, रोबोट्स। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेटा टैग नेम रोबोट्स हो और कॉन्टेंट में क्या लिखूँगा मैं, नो इंडेक्स नो फॉलो, अगर मैं ये बात लिख देता हूँ अगर, ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि मेरा पेज जो है वो क्या होगा, मैं SEO को मना कर रहा हूँ कि कोई इंडेक्सिंग नहीं करो इस पेज की और इस पेज को फॉलो भी मत करो, सही है, ये मैं इसको बात कह रहा हूँ। अच्छा, MDN पे आ जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं रोबोट्स को, ठीक है, ये आ गया रोबोट्स। अच्छा, रोबोट्स के अंदर क्या क्या वैल्यू दे सकता हूँ मैं, एक तो मैं कहूँगा इंडेक्स, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है, ठीक है, एक मैं बोलूँगा नो इंडेक्स, नो इंडेक्स में बोलता हूँ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई इस पेज को इंडेक्स ना किया जाए, ठीक है, इंडेक्स का मतलब इंडेक्स, नो इंडेक्स का मतलब नो इंडेक्स, सिंपल सा। अच्छा, फिर है एक फॉलो, एक है नो फॉलो। फॉलो का मतलब ये होता है कि इस पेज के ऊपर जितने मज़ीद लिंक्स हैं उनको भी फॉलो करे वो, और उनको फॉलो करके उन पेजेस के अंदर क्या है, जैसे मेरे पेज पे एक लिंक लगा हुआ है, मेरे पेज पे क्या लगा हुआ है, ये एक अदद मेरे पास कितना लंबा लगा हुआ, एक अदद लिंक लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस लिंक के अंदर जाकर और इस लिंक को भी देखेगा कि इसके ऊपर क्या है, ठीक है, और इसके अंदर क्या रेलेवेंट चीज़ मौजूद है, उसके हिसाब से भी ये मेरे पेज को भी ऊपर नीचे करेगा और उसको भी ऊपर नीचे करेगा, सही है, दोनों पे फ़र्क पड़ेगा, यानी इस लिंक के अंदर जब ये जाएगा तो इस लिंक के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर मेरी कार की वेबसाइट है लेकिन यहाँ लिंक के अंदर जाता है ना ये, तो लिंक के ऊपर क्या लगा हुआ है, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का लिंक है ये, ठीक है, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर उस वेबसाइट के लिए काउंट होगा कि जी इस वेबसाइट पे ना लोग कहाँ से आते हैं, कार की वेबसाइट पे जाते हैं, फिर इस पे जाते हैं, कार की वेबसाइट से आते हैं, ठीक है, तो जब कोई कार लिखेगा ना तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगी बिला वजह, हालांकि इस वेबसाइट ने अंदर कुछ किया भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, इसी तरीके से क्या होगा, मेरा पेज भी है ना, मेरा पेज भी अफेक्ट होगा इससे, अगर मेरे पेज पे यहाँ पे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के कोई लिंक लगा हुआ है तो मेरा पेज उससे इस तरह से अफेक्ट होगा कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है, लिपस्टिक है,
है ना। तो अब लिपस्टिक मेरे पेज से लिपस्टिक का एक लिंक बना हुआ है, तो जब लिपस्टिक लिखा जाएगा ना तो कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट भी उसमें आ रही होगी, क्योंकि मेरे पेज के ज़रिए एक जगह आप जा सकते हो जहाँ पे लिपस्टिक लिखा हुआ है ना। तो ये वाला भी एक सीन है कि क्या सम टाइम मैं बोलता हूँ कि यार उसको फॉलो करो, सम टाइम इस लिंक को फॉलो करने में मेरा फ़ायदा होता है, सम टाइम इस लिंक को फॉलो करवाने में मेरा नुकसान होता है। ठीक है, हमेशा हम हर चीज़ को ओके नहीं करवाते, कभी कभी उसको रोकने में हमारा फ़ायदा होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम यूज़ केस, हम उसको या तो बोलते हैं फॉलो करो या तो हम मना कर देते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, जो आप बोल रहे थे लिपस्टिक का क्या ऐड आ रहा होगा आपकी वेबसाइट पे? नहीं ऐड नहीं आ रहा होगा, वो एक लिंक है ना, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का लिंक लगा हुआ है, जाते हैं वैसे तो अमेजोन पे जाता है सीधा, वहाँ पे एक ब्यूटी प्रोडक्ट है या कोई आर्टिकल है दूसरा जो ब्यूटी प्रोडक्ट का आर्टिकल है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है ना ये वाली, अब इसके अंदर ये इतने सारे लिंक्स हैं, तो मेरी इस वेबसाइट में क्या मुझे इसको बोलना चाहिए कि लिंक को फॉलो करो या लिंक को मना कर देना चाहिए? सर आपके काम है तो फॉलो करवाना, बताओ ना, रेलेवेंट है तो फिर तो फॉलो का करना चाहिए। अच्छा, क्या ये पहला वाला लिंक रेलेवेंट है, इस वेबसाइट से रेलेवेंट है? सोच के बताओ, हाँ भाई क्या पता लगा? अभी बताएगा, गिटहब का लिंक है, ये लो जूम कर दिया हमने, गिटहब का लिंक है, किसी बंदे ने अपना असाइनमेंट बना के शेयर किया, गिटहब की रिपॉजिटरी है। तो सर ये तो रेलेवेंट तो नहीं है सर? हाँ भाई रेलेवेंट नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये क्लास की डिटेल है इसमें आपकी आईडी में, और वो MongoDB वेक्टर्स की तरफ लेके जा रही है वेबसाइट। हाँ भाई उसके अंदर जाके कहीं क्लास में सर ये सही बोल रहे हैं नहीं तो तुम बताओ ना, तुम कह रहे हो कि रेलेवेंट है तो क्यों है? सर आपने गिटहब पढ़ा है, आपके मतलब के क्लास से रिलेटेड तो है ना फिर वो चीज़? मैंने गिटहब पढ़ाया उसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए बनी हुई है उससे रेलेवेंट है या नहीं है, मुझसे रेलेवेंट तो ताल्लुक नहीं है ना। अगर कोई दूसरा, जैसे ही देखो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं तो आती होगी ना, जब कहीं ना कहीं जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिसबॉर्ग एयर लिखता हूँ अगर, ठीक है ये तो मैं नाम ही सीधा सीधा लिख दिया ना, तो इसमें तो कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है, नहीं आ रही है वैसे, नहीं आ रही है, SEO बढ़ा नहीं, वो असल में पहले डोमेन था ना जो air.sisborg.com, तो उसमें तो ये आ जाती थी ना। ठीक है, लेकिन वो अभी डोमेन जो है वो क्या हो गया, चला गया है। ठीक है, अच्छा और ये क्या है, शेयर्ड क्लिपबोर्ड लिखने से आती है क्या? नहीं आती है। वेल तो भाई पॉइंट ये है कि ये जो वेबसाइट है ना ये असल में क्या है, ये एक शेयर्ड क्लिप बोर्ड है। ये जो वेबसाइट है ये क्या है, ये शेयर्ड क्लिप बोर्ड है। इसमें होता क्या है कि जी आप इस वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे कुछ क्लास आईडी तो ये नहीं है, वैसे ही कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख दिया ABC और एंटर कर दिया। ठीक है, अब ABC पे ये सारे लिंक पेस्ट हुए हैं। अब कोई भी बंदा क्या होगा, कोई भी बंदा यही वाली वेबसाइट खोलेगा और यही ABC लिखेगा तो उसके पास भी ये शो होने लग जाएंगे, लिहाजा मैं यहाँ से जो चीज़ पेस्ट करूँगा वो उसको वहाँ मिल रही होगी, और वो जहाँ से वो चीज़ पेस्ट करेगा वो मुझे यहाँ मिल रही होगी, है ना। तो ये असल में क्या है, ये शेयर्ड क्लिप बोर्ड है। तो मैंने आपका ना रखा हुआ है B3, ठीक है, या आपका रखा हुआ है ASF पे कोई लिंक नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है, लेकिन मैं पेस्ट करूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, रिफ्रेश करूँगा ये कहीं नहीं जाता, यहीं रहेगा ये। ठीक है, थोड़े ग्लिचेस भी हैं इस वेबसाइट के अंदर, तो वेल B3 के ऊपर मैं आ गया ना। अब होता क्या है कि इस पेज के ऊपर जो ये लिंक्स लगे हुए हैं इसके ऊपर किसी भी किस्म का लिंक लगाया जा सकता है ना यार, अभी तो गिटहब का लगा हुआ है, कल को जियो न्यूज़ का भी लग सकता है ना, किसी ऐसी वेबसाइट का भी लग सकता है, तुम्हारी तरफ देख के बोल रहा हूँ सही है ना। लेकिन इस जो भी लिंक इसके ऊपर पेस्ट किया जा रहा है उसका इस वेबसाइट से तो ताल्लुक नहीं है ना, ये वेबसाइट किस चीज़ की है, क्लिप बोर्ड है, ये शेयर्ड क्लिप बोर्ड है। तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट के ऊपर मैं क्या लिखूँगा कि इन लिंक्स को फॉलो नहीं करना है, इन लिंक्स को अगर फॉलो किया तो आप भटक जाओगे, आप बोलोगे कि यार कभी इसमें कार आ जाती है, कभी इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाती है, कभी इसके अंदर जो है ना गिटहब का लिंक आता है, कभी MongoDB का लिंक आता है, ये है किस चीज़ की वेबसाइट? तो लिहाजा मैं इसके ऊपर बोलूँगा नो फॉलो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं जाके देखूँ पेज सोर्स में, तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ होगा कि जी रोबोट को ना इंडेक्स तो मैंने कहा करना है उसको, लेकिन फॉलो नहीं करना, लिंक्स को फॉलो नहीं करना आपने। इंडेक्सिंग तो मैंने कहा जब क्रॉलर आएगा ना, अगर तो मैंने नो इंडेक्स कर दिया तो क्रॉलर को मैं वहीं से बोलूँगा कि निकलो इधर से, इधर आना नहीं चाहिए, गूगल सर्च पे लाइन ही नहीं है मेरे को ये। अगर नो इंडेक्स कह देता हूँ मैं तो मैं ये असल में क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा गूगल सर्च पे लाना ही नहीं है इसको, निकलो इधर से, ये प्राइवेट नो इंडेक्स से हो जाएगा ना। हाँ नो इंडेक्स से होगा। अच्छा नो इंडेक्स में कब करूँगा आप ये भी बता दो जल्दी से, नो इंडेक्स
जब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि सिसबॉर्ग एयर लिखने से या शेयर्ड क्लिपबोर्ड लिखने से ये वेबसाइट मेरी आनी चाहिए मेरी वेबसाइट की, ठीक है ना, वो कौन सी सिचुएशन होगी कि मैं इस वेबसाइट को लाना ही नहीं चाह रहा हूँ या कोई दूसरी वेबसाइट है उसको मैं सर्च इंजन पर दिखाना ही नहीं चाह रहा हूँ गूगल सर्च पर, वो कौन सा सिनेरियो होगा जो इररिलेवेंट होंगे? इररिलेवेंट के सेंस में जैसे जो मतलब है, हाँ भाई मैच नहीं कर रही होंगी, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास कोई और वेबसाइट है जैसे ये उर्दू पॉइंट है, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं इसके ऊपर बोलूं कि नो इंडेक्स नो फॉलो, कि ना मेरे को गूगल सर्च पे दिखना है, इस वेबसाइट को दिखाना ही नहीं है गूगल सर्च पे, तो ऐसा क्या मैं बोलूंगा कभी? सिक्योरिटी इशू कब होंगे वो, किस सिचुएशन में होंगे मैं मना कर दूं, मैं बोलूं दिखाना ही नहीं है, मैं बोलूं इस वेबसाइट को आपको गूगल सर्च पे आप निकलो इधर से, इसको कोई क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डार्क वेब वेबसाइट नहीं, उसमें भी यही होता है, उसमें भी ये सारे टैग्स लगे हुए होते हैं, इसी सिनेरियो पे चल रहा होता है वो भी एक्चुअली। भाई वो इस सिचुएशन में होगा कि जब कोई ऐसा पेज है जो मेरा प्राइवेट पेज है, ठीक है, जैसे कोई बैंक की ऐसी एप्लीकेशन है, बैंक की कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो बैंक के अंदर मौजूद मुलाजिम ही सिर्फ उसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं, कोई और उस पर लॉगिन कर ही नहीं सकता, है ना, मैंने साइन अप का सीन ही नहीं रखा उस पर, अकाउंट एडमिन वाले बना के देते हैं, और एक वेबसाइट है वो, सही है, जैसे मिसाल के तौर पर एडमिन या मिसाल के तौर पर ब्रांच डॉट मीज़ान डॉट ऐप डॉट सी ओ जो भी है, मैं एक फ़र्ज़ी नाम बना रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये वाली वो ऐप है जिसके ऊपर मीज़ान के अंदर बैठा हुआ बंदा इस ऐप पे जाता है और वहाँ पे लॉगिन करता है और फिर उसको चला रहा होता है, ठीक है, तो ये वाली जो है ना ऐप, मैं अगर गूगल सर्च पर एग्जैक्टली भी लिख दूँ ना ब्रांच मीज़ान ऐप तो नहीं आना चाहिए, सही है, क्यों कि अगर वो आ जाता है, देखो क्योंकि इसमें मीज़ान भी आ रहा है ना, मीज़ान लिखने से अगर ये लिंक कहीं भी आता है मेरे सर्च रिज़ल्ट में तो मेरे लिए नुकसान की बात है, मीज़ान लिखने से कहीं भी अगर मेरे पास ये रिज़ल्ट आता है, दसवें पेज पे भी आता है अगर, तो मेरे लिए नुकसान की बात है, क्यों कि बंदे ने मीज़ान लिखा है मीज़ान बैंक के लिए, और बंदे की चलाने वाली वेबसाइट है वो अलग है, उसमें भी मीज़ान का जिक्र है, mizan.com.pk करके है वो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये लिंक किसी भी वजह से ऊपर आ गया अगर, और बंदे ने लिखा मीज़ान बैंक और ये आ गया टॉप पे, और बंदे ने उस पर क्लिक कर दिया, उसने बोला यार ये क्या सीन है, बंदा उस पर अपना आईडी पासवर्ड डाल रहा है वो लग ही नहीं रहा, तो ये इनकन्वीनियंस अलग है, इनकन्वीनियंस एक अलग है, और दूसरा ये कि जो एक्चुअल वेबसाइट है उससे ट्रैफिक कम हो गया वो अलग हो गया, एक तो एक्चुअल वेबसाइट तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, दो दो तीन तीन मीज़ान आ गया अभी क्या सीन है, फेक समझना शुरू कर देंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी ये वेबसाइट, ठीक है ना, और दूसरा ये कि जब एक यूज़र के काम की चीज़ ही नहीं है ये, तो उसको दिखनी भी नहीं चाहिए, तो गूगल सर्च पे इस तरह की चीज़ों को मैं कभी भी नहीं लेके जाता, ठीक है ना, ASF के अंदर अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जैसे इमिग्रेशन वाले होते हैं, तो इमिग्रेशन वालों के पास एक वेब एप्लीकेशन खुली हुई होती है, ठीक है, तो अगर उस वेब एप्लीकेशन पे, अब मुझे नहीं पता वो वेब एप्लीकेशन होती क्या होती है, लेकिन कुछ होता है उनके पास, इमेजिन कर लेते हैं कि वो वेब एप्लीकेशन है, इमेजिन कर लेते हैं कि वो एक वेबसाइट है, कि वेब एप्लीकेशन है जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर ही लॉगिन कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, और इमिग्रेशन ऑफिसर उस पर लॉगिन करके पासपोर्ट की डिटेल बंदे की वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है, या नादरा का उसने ऐप खोली हुई है, नादरा की भी तो ऐप होती है ना, नादरा के दफ्तर में खोल के बैठे होते हैं, तो वो भी इन्होंने लॉगिन किया हुआ होता है, एक वेब एप्लीकेशन होती है, तो उस तरह की जितनी भी इस तरह की तो हज़ारों एप्लीकेशन होती है जो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बनी नहीं होती, वो इंटरनल यूज़ के लिए बनी हुई होती है, तो इस तरह की कोई भी वेबसाइट जो है मैं कभी भी सर्च इंजन पे दिखाना नहीं चाहूँगा। तो सर जो एक्सेसिबिलिटी जिन जिन के पास है वो कैसे करेंगे? वो डायरेक्ट URL पूरा हाथ से टाइप करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो हाथ से पूरा टाइप करेंगे वो URL, और फिर नॉर्मल पब्लिक टाइप करेगी तो आ जाएगी, आ जाएगी, आएगी क्यों नहीं, बिल्कुल आएगी तो सही, वो लेकिन सर्च इंजन पे ना आए, यहाँ पे ना आए, यहाँ पे जब मैं लिखूँ ना मीज़ान बैंक और एंटर करूँ तो इधर ना आए वो, बस इधर एक ही आए जो यूज़र के मतलब का आइटम है, हालांकि मीज़ान की जो इस तरह की वेब एप्लीकेशन है वो तीन चार होंगी, एक मैनेजर के लॉगिन करने की अलग ऐप होती है, ठीक है, और एक जो अंदर बंदे बैठे हुए होते हैं जो कैशियर वगैरह, ठीक है, वो अलग होते हैं, फिर इसकी एक ट्रेडिंग की ऐप होती है जिससे मीज़ान आगे इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी मीज़ान की अपनी ऐप होती है, तो इस तरह की चार पांच ऐप होती हैं जो इंटरनल यूज़ के लिए होती है, लेकिन तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? जिनके पास एक्सेस है वो नॉर्मल कंप्यूटर से लॉगिन कर सकते हैं, वो नॉर्मल कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे होंगे, है ना, देखो मीज़ान का सिर्फ एक ही लिंक आ रहा है, क्योंकि बाकी वाले लिंकों में इन्होंने नो फॉलो लगाया हुआ है और नो इंडेक्स लगाया हुआ है,
उसने बोला भाई किसी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस पेज को भी इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और इस पेज पे जो लिंक्स लगे हुए हैं उन लिंक्स पे जाओ ही नहीं आप, है ना, उस लिंक्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको भी आप इंडेक्स करोगे मतलब, तो इस तरह भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया कि ये नो इंडेक्स और नो फॉलो हम कब लगा रहे होते हैं ये सीख लिया हमने। अच्छा, अल्टरनेट टेक्स्ट हमें हर इमेज के साथ लगाना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट इमेज के अंदर कुछ लिखना भी चाहिए, ऑल टेक्स्ट के अंदर ये लिखना चाहिए कि इस इमेज, अगर इमेज नज़र ना आ सके किसी वजह से तो वो नज़र आता है, तो अब क्या लिखना है उसमें आप खुद समझ जाओ। नज़र तो नहीं आता इसके अंदर जो लिख, नज़र आता है ना, क्यों नहीं आता, जब इंटरनेट बंद होगा कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो नज़र आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो नज़र आएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा ये कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो स्क्रीन रीडर से पढ़ते हैं वेबसाइट, तो स्क्रीन रीडर में बिल्कुल वो अल्टरनेट टेक्स्ट पढ़ के सुनाता है, आप स्क्रीन रीडर यूज़ करो, गूगल के क्रोम का एक्सटेंशन भी है और भी बहुत सारे, एक जॉज करके एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करो, फिर आपको विंडो भी दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन ये पहले बता दें क्योंकि पूरे कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होता है और एक एक मेन्यू के अंदर वो ऐसे अंदर अंदर आ जाता है उसके, जहाँ जाओगे हर चीज़ को पढ़ के बता रहा होगा, आप परेशान हो जाओगे ये क्या हो गया। मतलब एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड किस्म का सॉफ्टवेयर और पेड सॉफ्टवेयर है ना, वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पेड सॉफ्टवेयर है वो, और बड़ा सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, तो वो आप अगर इंस्टॉल करोगे ना तो वो एक बहुत ही अल्टरनेट टैग लिखना लाजमी है, एस ई ओ के अंदर मतलब कुछ लिखना लाजमी है, लाजमी है भाई, लाजमी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो हेडिंग हेडर के जो टैग्स है ना, वो उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया एच वन पैराग्राफ वगैरह, इसमें आपने रेलिवेंट चीज़ लिखनी है, ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कैनोनिकल टैग, ये क्या चीज़ है यार, लिंक बताइए, लुक लाइक दिस, पढ़ लेते हैं उसको क्या है। आई हैव, इफ़ यू हैव पेजेस ऑन योर साइट दैट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, अच्छा, यू मे नीड टू इन्फॉर्म द सर्च इंजन। अच्छा, कह रहा है कि अगर आपको पहले से कोई पता है ऐसा पेज जो आपके पेज के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आप उसका लिंक अपने पास लगा दो कि भाई ये मेरा पेज जो है ना ये बिल्कुल उस वाले के ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजिंग गूगल एंड मिसिंग योर रैंक ऑन SERP, यू आर गाइडिंग द क्रॉलर, कह रहा है बजाय इसके कि क्रॉलर को कन्फ्यूज़ कर दें आपके, क्रॉलर बोले यार ऐसा तो पेज मैंने कहीं और भी देखा है, तो वो बोले यार ये तो पता नहीं एक दूसरे का छापा हुआ है इन्होंने, तो वो किसी एक को तो नीचे करेगा किसी एक को ऊपर करेगा, तो आप उसको बता दो कि नहीं यार ये हम एक ही जैसा पेज है हमारे पास दोनों, ठीक है। अब इसका ये क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने लिंक्स लगाए हैं, इसको मज़ीद आप पढ़ सकते हैं जाके ना, इसको क्योंकि नाम पता लग गया ना, अब इस नाम को आप जाके सर्च कर सकते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना, ठीक है, तमाम टाइप्स का कब लगाना है कब नहीं पता लग गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ भाई, यार इसने भी एक चीज़ जो है ना मिस मारी हुई है, इसने एक चीज़ जो मिस मारी हुई है वो ये मारी हुई है, सोशल मीडिया के टैग्स, ठीक है, सोशल मीडिया वाले टैग्स इसने मिस मारे हैं। आ जाते हैं अब SEO, सोशल मेटा टैग्स, ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो आ जाओ, CSS ट्रिक्स वालों ने ये बात बताई हुई है। अच्छा जी, क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो गई, सब हो गया, H1 भी लग गया, उसमें मेटा के सारे टैग भी लग गए, उसका अच्छी सी आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया, कीवर्ड्स भी लगा दिए, ठीक है, और आपने अंदर उसकी स्पीड का भी ख्याल रख लिया, परफॉर्मेंस का भी ख्याल रख लिया, सारा कुछ करने के बाद क्या हुआ, आपकी वेबसाइट का URL है कोई, है ना, जैसे कार्स का पेज था आपकी वेबसाइट में, ठीक है, जैसे ये कार्स का पेज है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ फेसबुक पर जाता हूँ और फेसबुक पर जाके उसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ गया और मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, कैसे करूँगा मैं इसको यहाँ से, हाँ ये वाला करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो जैसे ही पेस्ट करता हूँ लिंक, आप देखें यहाँ पे क्या आ जाती है, एक फ़ोटो आ जाती है, यहाँ पे एक URL आ जाता है, यहाँ पे नीचे इसका टाइटल आ जाता है, ठीक है। अब ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, क्या ये वेबसाइट के पेज का टाइटल है, नहीं, मेरी वेबसाइट में अगर पेस्ट करता हूँ ना ये वाली, अभी ये वाली जो मैंने अभी भी बनाई हुई है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको पेस्ट करता हूँ, अगर अभी तो ये GitHub में वो नहीं हुई हुई, देखो सर URL आ गया, अभी तो ये GitHub में होस्ट नहीं हुई हुई, लेकिन GitHub में होस्ट करने के बाद भी इसको कोई फ़ोटो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि फ़ोटो मैंने बताई नहीं क्या लगानी है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया टैग्स। अच्छा, इसको चलो अभी रखते हैं। अच्छा, ऑन अदर एंड क्या होता है, ये देखो ये मेरी लिंक शेयरिंग की जो वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको जब मैं पेस्ट करूँगा ना तो इसमें आ रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ये सब हटाया मैंने यहाँ पे से,
और इसको पेस्ट किया। इसको जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास इमेज तो कोई नहीं आती है लेकिन मेरे पास टाइटल एक आ जाता है। टाइटल में क्या है, एयर बाई सिसबॉर्ग, शेयर्ड क्लिप बोर्ड है ये और शेयर ओवर द एयर है, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्शन है कि जी दिस ऐप प्रोवाइड बेटर वे ऑफ शेयरिंग टेक्स्ट एंड इमेज ओवर द एयर, सही है। तो यहाँ पे से आ गया। अच्छा ये कैसे आया, ये मेटा टैग लगा हुआ था इसके अंदर जब भी आया, ठीक है। फोटो नहीं आई क्योंकि फ़ोटो का मेटा टैग नहीं लगा हुआ था। आगे देखते हैं वो कौन से मेटा टैग्स हैं। ये सीएसएस ट्रिक के आर्टिकल में भी बताया जा रहा है लेकिन पहले मैं आपको अपनी इस वेबसाइट में दिखा देता हूँ कि कौन से वो टैग्स हैं। आ जाओ, राइट क्लिक किया मैंने, व्यू पेज सोर्स पे गया। अच्छा व्यू पेज सोर्स पे करके जाने के बाद ये ओजी करके जो लगे हैं ना जितने भी, ये सारे जो है वो क्या है, सोशल मीडिया के टैग्स हैं ये, ठीक है। ओजी टाइप वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट के अलावा कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है ना, मैंने कहा ये वेबसाइट है, ठीक है। टाइटल क्या होगा, ये टाइटल लिखा हुआ था, ये एक तो टाइटल अलग है पेज का मेरे पास, वो पेज वाला टाइटल कहाँ गया, वो ये लगा हुआ है, इसमें अलग बात लिखी हुई है, इस टाइटल में अलग बात लिखी हुई है, देखो वही आ रहा है एग्जैक्टली, शेयर ओवर द एयर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन उसके नीचे आ रही है, ठीक है। उसके बाद इमेज है, अब इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है लेकिन इमेज शो पता नहीं क्यों नहीं हुई थी, शायद देख लेते हैं कि इमेज एक्सपायर ना हो गई हो कहीं, समटाइम ऐसा भी होता है कि इमेज का लिंक होता है मेरे पास लेकिन इमेज, हाँ इमेज एक्सपायर है, ठीक है। अगर मैं अनसिक्योर करके आगे जाऊँ, हाँ सही है, नहीं है ये इमेज मेरे पास, ठीक है। तो सम हाउ ये इमेज मिस हो गई है या कुछ हो गया, इसके अंदर गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से मुझे क्या होगा, डाउनलोड करके लगा सकते हैं पिक्चर, डाउनलोड करके नहीं, उसी तरह यूआरएल लगेगा पिक्चर का, यूआरएल लगेगा और आपके वो फोल्डर में होनी चाहिए वो पिक्चर, वो पिक्चर का होनी चाहिए आपके फोल्डर में ही होनी चाहिए वो, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे sisborg.com/images के फोल्डर में पड़ा हुआ है, वो वहाँ से उठ के आ रहा है, तो ये अगर डायरेक्ट लिखो ना तो वो इमेज खुल जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूआरएल के जी, वैसे तो ये मतलब URL पता है इस पेज का, जो वो पेस्ट अभी वही हुआ है लेकिन लिख के क्या दिखाना है वही आ गया, ठीक है। समटाइम होता है ना कि facebook.com भी लिखते हो आप, सुन लो बात facebook.com लिखते हो तो भी एक ही वेबसाइट खुलती है, www.facebook खोलते हो .com तब भी एक ही वेबसाइट खुलती है, तो यहाँ क्या दिखाना है, सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है, सोशल मीडिया के ऊपर जब यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ये वेबसाइट कौन सी दिखानी है। अबे ये क्या हुआ, तो कट करके दोबारा लगाते हैं। ओ अच्छा, ये तो मैंने डोमेन लगा हुआ है ना इसके अंदर, ये डोमेन वाला तो वो डोमेन तो एक्सपायर हो चुका है ना मेरा, ये तो मैं डायरेक्ट उसको चला रहा हूँ, ठीक है, जब ही तो नहीं चल रहा वो, सही तो बोल रहा है वो, ये sisborg.web.app है ना, फायरबेस की फ्री होस्टिंग पे चल रहा है। वेल तो देखो जब मैं यहाँ आता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, sisborg-air.web.app ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा हालांकि यहाँ पे मैंने URL वो वाला लगाया हुआ लेकिन स्टिल खैर, तो ये सारे OG के जो है ना URL, ये OG के टैग हैं सारे, साइट नेम क्या है जी, ये एयर बाई सिसबॉर्ग है, तो इन तमाम के तमाम टैग्स के बारे में यहाँ आर्टिकल में इन्होंने जिक्र किया हुआ होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये सारे टैग्स का जिक्र हुआ है, इसमें आप जो चीज़ लिखोगे वही वहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा फिर देखो मेरे पास तो क्या था कि टाइप था वेबसाइट ना, यहाँ पे देखो टाइप वीडियो मूवी भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइप में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ रही होंगी। देखो फेसबुक किस किस को सपोर्ट करता है, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, इमेज को और यूआरएल को, ये चार चीज़ों को सपोर्ट करता है। ट्विटर इसको चार चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तीन चीज़ों को करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ना ये सारा कुछ डिटेल इसकी लिखी हुई है कि इन मीडिया टैग्स के बारे में जो भी मामला है ना तो वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। वैलिडेटिंग मेटा टैग, अब मेटा टैग लिखने के बाद उसको आप चेक करेंगे आया कि वो सही भी लिखा है कि नहीं लिखा, उसका कोई तरीका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ठीक है, कुछ मेटा की कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जिसमें FB लिखते हैं आप और फेसबुक की ऐप ID साथ में लिख रहे होते हैं, तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब आगे देखते जाओ, एनीथिंग एल्स, OG साइट नेम europeantravel.inc, ठीक है। ट्विटर इमेज अल्ट, ये अल्टरनेट टेक्स्ट आ गया। अच्छा ये जो इमेज लगाई हुई है ना हमने, ये जो इमेज हमने यहाँ लगाई हुई है ना, कहाँ गया वो, इसका जो व्यू पेज सोर्स करके हमने किया था, ये जो OG इमेज है ना, ये तो तमाम वेबसाइट के लिए इमेज हो गई लेकिन मैं चाहूँ तो ट्विटर के लिए अलग और फेसबुक के लिए अलग इमेज भी लगा सकता हूँ, वो यहाँ पे इन्होंने बताई दी है, ठीक है, कि जी आप जैसे आप लगाते हो ना OG साइट नेम या आप लिखते हो ट्विटर इमेज और करके आप, तो ट्विटर के लिए आप अलग इमेज भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने ये एसेंशियल सारे एक जगह लिख दिए, एसेंशियल सारे यानी सिंपल इमेज एक जगह लिख दी, अब यहाँ नीचे भी इन्होंने ना देखो ट्विटर इमेज और अल्टरनेट टेक्स्ट ये ऐसे अलग करके लगा दिया,
ठीक है। अब इसकी ये एक आर्टिकल है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल होंगे और ये चेंज भी होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। अभी जैसे ट्विटर चेंज हुआ है, हो सकता है उसने कोई नए फीचर दे दिए हो, तो वो आपको सारा ना उधर आर्टिकल में दिख रहा होता है। ठीक है, ये लोगों ने कमेंट्स किए, मैं ये आर्टिकल यहाँ ख़त्म हो गया ना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और भी नीचे भी कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ना 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स यू नीड टू नो। ठीक है, सोशल मीडिया टैग्स अ कम्प्लीट गाइड, इसके अंदर चलते हैं अब हम। ठीक है, इसके अंदर भी ये देखो गाइड कर रहा है पूरा कि जी ये इमेज के ऊपर ये बात कर रहा है। इमेज पे चलते हैं सीधा हम यहाँ से। ठीक है, कह रहा है इमेज की मेटा प्रॉपर्टी है क्या, उसका काम है पूरा यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, यूआरएल की प्रॉपर्टी है वो क्या चीज़ है, क्या काम कर रही होती है वो। ठीक हो गया, तो ये पूरा ये अब आपको नाम पता लग गया ना, तो ये सारी जगहों पे आपको अब ये नज़र आ रहा होगा। ये देखो ना फेसबुक पे जो इस तरह पूरा ये खुल रहा होता है, ये जो पूरा खुल रहा है ना इस तरह, ये इसी से होता है। अच्छा, अगर मैं उर्दू पॉइंट जो था हमारी वेबसाइट अभी उर्दू पॉइंट की, अच्छा इसी वेबसाइट को खोल लेते हैं हम। ये जो वेबसाइट हमने अभी खोली हुई है ना सोशल मीडिया, अब इसको हम खोल लेते हैं। इसको जाके अगर मैं फेसबुक पे पेस्ट करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं ज़रा। ठीक है, ये मैंने कट किया इस वाले को, और इसको जाके मैंने पेस्ट किया तो क्या आता है मेरे पास, मेरे पास ये इस तरह की एक इमेज बनी हुई आती है। ठीक है, अब ये इमेज इस वेबसाइट के अंदर कहाँ पर लगी हुई है, ओजी करके इस पर लगी हुई है, लाजमी लगी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर ये ना लगी हुई हो। व्यू इमेज सोर्स किया, अच्छा इस तरह तो नहीं आ रहा ये, तो हम एक काम करते हैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते ही मैं जाता हूँ हेड में, और हेड में जाके ना यहाँ पे ओजी करके इन्होंने ये लाजमी लगाया हुआ होगा, है ना, ये रहा ओजी इमेज, ये रहा। अब ये इस इमेज के अंदर मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इस यूआरएल के अंदर आप देखेंगे यही वाली इमेज होगी। जाके उसको ओपन करता हूँ, इमेज को देखो ये वाली इमेज। ठीक है, तो ये यहाँ से उठकर आ रही होती है। उसके अलावा आपको क्या दिख गया इसमें, उसके अलावा ये ओजी के बाकी के टैग्स भी आपको नज़र आ गए कि ये क्या किया इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, देखो ट्विटर के ना पूरा कार्ड इन्होंने अलग से बना के लगाया हुआ है। ट्विटर में कार्ड कैसा दिखना चाहिए, लार्ज कार्ड दिखना चाहिए, तो ये ट्विटर के सारे ऑप्शन ट्विटर ने दिए हैं। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ट्विटर से जाके देख लें। देखो ट्विटर पर डिस्क्रिप्शन अलग दिखा रहा है, ट्विटर पर इमेज अलग दिखा रहा है, ट्विटर पर जो इमेज है वो वाली नहीं दिखा रहा, ये दूसरी। अच्छा, मोर और लेस ये तो काम इसने साइज़ चेंज किया हुआ है, इसलिए होता है। असल तो ये होता है कि साइज़ कोई दूसरा हो इमेज का, है ना, उसके लिए होता है। लेकिन आप टोटली दूसरी इमेज भी दिखा सकते हो कि ट्विटर पे आप कोई दूसरी इमेज बिल्कुल दिखा दो। ठीक है, और फेसबुक के ऊपर भी आप एक अलग इमेज दिखा सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि वो उसको करता है कि नहीं करता। तो वेल, तो आप यहाँ से किसी वेबसाइट में रैंडम किसी को खोलोगे ना आप, तो सब में ये लगा हुआ होता है। कोई दूसरी वेबसाइट में खोल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रक्स, और ट्रक्स लिख के मैं कोई रैंडम कोई भी वेबसाइट खोलूँगा ना तो उसके अंदर ये चीज़ें लगी होती हैं पहले से, है ना। ट्रक्स लिखा मैंने, और ट्रक्स लिखने के बाद चलो विकिपीडिया को खोल लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं जाऊँगा ना तो इसमें मुझे वो सारे टैग्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसके हेड को खोलता हूँ, और हेड को खोलते ही मेरे पास क्या आ जाता है, ये मेटा के देखो ओजी इमेज आ गया, ओजी इमेज विड्थ, ओजी इमेज हाइट, ओजी इमेज, सही है, ये सारा आइटम आ गया। तो ये अगर किसी जगह पे किसी वेबसाइट पे आपको कुछ दिखता है कि अच्छा यार ये इन्होंने इस तरह से कैसे किया हुआ है, तो आप जाके उसका कोड खोल के देखेंगे, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने ले लिया, किसका ले लिया, SEO का, है ना। SEO के हमने थोड़े थोड़े से तमाम एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा हमने कवर किया है। ठीक है, जिसमें हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज की क्वालिटी, पेज की परफॉर्मेंस है, सोशल मीडिया के टैग्स, ये सारे हमने थोड़े थोड़े कवर किए। ठीक है, और भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं। अच्छा, और ये जिन चीज़ों को हमने कवर किया है वो हमने बहुत ब्रीफली कवर किया है, इसको इन डेप्थ कवर हमने नहीं किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप ये करने बैठेंगे, कभी आपको ऐसा टास्क मिलेगा जब, तो आप क्या करेंगे, इन तमाम टॉपिक्स को जो मैंने डिस्कस किए हैं, जो थोड़े थोड़े, उन तमाम को आप इन डेप्थ खुद से स्टडी करेंगे, और ख़ुद से स्टडी करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो बस कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है कोई। सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे हम लिंक्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, हाँ, तो वो लिंक पे जब क्लिक करो तो कभी ऐसा होता है कि दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है वो, या दूसरे विंडो में ओपन होती है, कभी ऐसा होता है कि उसी पेज पे, उसी पेज में खुलती है सर, वो कैसे? वो असल में होता है जो लिंक के अंदर ही ना आप लगाते हो, ओपन लिंक इन न्यू टैब W3 स्कूल, तो उसमें ना वो एक अंडरस्कोर ब्लैंक करके हम एक लगा रहे होते हैं। देखो अब ये जो मेरे पास HREF है ना, इस पर टारगेट करूँगा मैं और अंडरस्कोर ब्लैंक कर दूँगा, तो इससे क्या होगा, ये नई टैब में खुलने लग जाएगी। और सर उसी पेज में, और इसको मैं अगर हटा दूँगा तो ये सेम पेज पे खुलने लग जाएगा। ठीक है, हटा के मैंने रन किया, अब ये सेम पेज पे खुलने लग जाएगा।
ये सीन है इसका, ठीक है, इसका उस SEO से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है जी, चलो फिर मुलाकात रहेगी।